PhDE 141 स्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप में इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं, टोटल दो चैप्टर हैं, सॉरी ब्लॉक दो हैं, ठीक है। चैप्टर तो इसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं, ब्लॉक इसमें दो दिए गए हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूँ आपका जो सब्जेक्ट है BAG, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और साथ में जो BA हिंदी ऑनर्स के थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे, इन दोनों के लिए क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका, जो सब्जेक्ट कोड है BHDE 141, ठीक है। इसके एक एक चैप्टर को देखेंगे जो जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, या जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक एक चैप्टर को मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले ब्लॉक में अगर आप देखेंगे जो आपका पहला ब्लॉक है खंड एक में क्या है, टोटल 6 चैप्टर दिए गए, और इन 6 चैप्टर में से आपको क्या देखने मिलता है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा जो ब्लॉक है उसमें से हमें क्या देखने आती है, कविता आती है, कह सकते हैं कि उसमें संदर्भ सहित व्याख्या करने का आता है दूसरे ब्लॉक में से, ठीक है। ज़्यादातर पहला ब्लॉक जो रहता है क्वेश्चन आंसर का पूरा ब्लॉक रहता है, और एक एक चैप्टर को इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। पहला चैप्टर आ गया, यहाँ पर देखिए आप हमारा क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, दलित विमर्श अवधारणा और आंदोलन। यहाँ पर हम दलित का मतलब आप समझते हैं ना, जो शेड्यूल कास्ट हैं, ठीक है, या उनका उनकी अवधारणा क्या, उनका विचार क्या है, और दलितों को लेकर के किस प्रकार के आंदोलन रहे हैं, और हमारे समाज में दलित समाज के साथ किस प्रकार का भेदभाव होता था, किस प्रकार का छुआछूत होता था, इसी के बारे में खास तौर से ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरी बात रही, इसमें हम लोग दलित आंदोलन में खास तौर से दलित पैंथर को देखेंगे। ये अगर आप देखेंगे दलित पैंथर एक संगठन है जो महाराष्ट्र में बना हुआ था, और उसमें खास तौर से हम दो नेताओं का नाम पढ़ेंगे, एक तो ज्योतिबा फुले, दूसरा BR अम्बेडकर। इन दोनों लोगों का नाम तो आपको वैसे भी पता होगा कि बाबा साहब BR अम्बेडकर जो हैं, उन्होंने किस प्रकार से दलितों को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उसी प्रकार से अगर मैं ज्योतिबा फुले की बात करूं, तो भी अगर आप कह सकते दलितों को लेकर के उनका जो आंदोलन रहे हैं या उनका जो प्रयास रहा है, इन दोनों लीडर के बारे में खास तौर से अगर मैं बात करूं ना, तो आपके लिए ना इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, दलित परिभाषा, दलित आंदोलन, दलित पैंथर आपसे पूछा जा सकता है जो क्या एक संगठन था, ठीक है। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले इनका, और डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं खास तौर से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी इनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पर देखिए प्रस्तावना में क्या थोड़ा सा बताया गया है, क्योंकि इस चीज़ से हम अच्छी चीज़ समझ, सारी चीज़ चैप्टर को समझ सकते। देखिएगा स्मृति मूलक विमर्श जो हमारी बुक है, इसमें दलित विमर्शों को केंद्रित करके बात की गई है, और हम सभी जानते हैं कि आप सबको पता हो कि हमारा जो भारतीय समाज है इसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था है। क्या भैया? वर्ण व्यवस्था है, ठीक है। और हमारे समाज में क्या है, चार वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? पहला वर्ण क्या है भाई? ब्राह्मण है, ठीक है। दूसरा वर्ण कौन सा है? क्षत्रिय है, ठीक है। तीसरा वर्ण कौन सा है? वैश्य है, ठीक है। और चौथा वर्ण कौन सा है? शूद्र है। इन्हीं शूद्रों में है हम खास से दलित की बात करते हैं। देखो ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा वर्ण होता है, और ख़ास तौर से इनका काम क्या होता है, पूजा पाठ कराना, कर्म कांड करवाना, ज्ञान देना, एक काम होता है। दूसरा जो वर्ण होता है वो होता है क्षत्रिय वर्ण, ये सेकंड में आते हैं। खास तौर से राजा महाराजा लड़ाई लड़ना या शौर्य का जो काम होता है, क्षत्रियों का काम होता है। जो तीसरा वर्ण है क्या है, वो वैश्य है, वो क्या करते हैं, खास तौर से जो बनिया समाज होता है, व्यापार करना उनका काम होता है। जो चौथा वर्ण है जो शूद्र वर्ण होता है, उनका काम क्या होता है, इन जो तीनों वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, इनकी क्या करना है, शूद्र वर्ण की क्या जिम्मेदारी होती है, इनकी सेवा करना, क्या इनका सर्विस यानी कह सकते हैं सेवा करने का कार्य होता था। और हमारे समाज में हमेशा सा ही कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, उसी वर्ण व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो क्या जाति व्यवस्था आ गई है, यानी हमारा जो समाज है अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्णों में बटा हुआ समाज है। और हमारे समाज में खास तौर से जो दलित हैं, ठीक है, दलितों को लेकर के एक प्रकार से हमारे समाज में क्या था, इन पर अत्याचार होता था, खास तौर से छुआछूत बहुत फैला हुआ था, और इनको समाज में सबसे निम्न माना जाता, क्या सबसे निम्न जाति का माना जाता था, ठीक है। इनको छूना, इनको टच करना भी क्या माना जाता था, अपवित्र माना जाता था।
इन पर तमाम तरह के क्या होते थे, शोषण होता था, इनके साथ अत्याचार होता था। इनको कह सकते हो कि इनकी नाम से नहीं बल्कि इनको जाति के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो दलितों पर कह सकते हो कि छुआछूत, शोषण, दमन, अत्याचार, इसके खिलाफ क्या एक संघर्ष की लड़ाई लड़ी गई है, एक संघर्ष रहा है समाज में। क्योंकि इनके साथ समाज में अगर आप देखेंगे तो तमाम तरह के अत्याचार, शोषण, दमन, छुआछूत, इस प्रकार की चीज़ें होती थी। ठीक है, और एक कह सकते कि इन अत्याचारों के खिलाफ एक लंबा आंदोलन रहा है, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। तभी आज हम देखते हैं कि खासतौर से जो SC, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट को क्या आज आरक्षण मिला है। साथ में हमारे संविधान में आप सबने पता होगा कि जो छुआछूत है उसका अंत कर दिया गया है। किसी को आप जाति सूचक शब्दों से, क्या भैया जाति सूचक शब्दों से आप किसी को बुला नहीं सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। खासतौर से अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अगर आप अपमानित करते हैं तो आपके लिए क्या है, सजा का प्रावधान है। आज अगर हम बात करें जो हमारे समाज में जो दलित समाज के लोग हैं, ठीक है, जो दलित समाज के लोग हैं, इनको आरक्षण दे करके इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, या इनमें पढ़ाई लिखाई का जो संचार किया जा रहा है, साथ में इनको मुख्य श्रेणी में लाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती है। ये कोई आसान बात नहीं थी दलितों को लेकर के। आप सबको पता है कि सबसे पहले जैसे अगर आप देखेंगे तो ज्योतिबा फुले जी जो हैं, उन्होंने दलितों को लेकर के तमाम तरह के प्रयास किए हैं, संघर्ष किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाबा साहब BR अम्बेडकर, उसी प्रकार से आप अगर मैं बताऊँ जैसे काशीराम, प्रेजेंट टाइम में आप सबने देखा मायावती जी का नाम आप कह सकते हैं, या इस प्रकार के जो इनके क्या नेता रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कह सकते हैं कि दलितों के लेकर के या इन पर जो अत्याचार होता था, जो शोषण होता था, जो दमन होता था, इसके खिलाफ एक लंबा आंदोलन रहा है, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। और ख़ासतौर से अगर आप देखेंगे तो 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो छुआछूत का अंत कर दिया जाता है, और कह सकते हैं संविधान में दलितों के लिए, कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ताकि उनको मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। अब हम लोग यहाँ पर दलित साहित्य की बात करते हैं। देखो अगर मैं दलित साहित्य की बात करूँ तो दलितों को लेकर के एक प्रकार से जो साहित्य लिखा गया, लिटरेचर जो लिखा गया साहित्य में, इनकी बातें अगर आप देखेंगे तो 1980 के दशक से इनको माना जाता है। और ख़ासतौर से दलित साहित्य में अगर आप देखेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्या किसका नाम आता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम आता है। ये क्या है, इन्होंने दलितों को लेकर के काफ़ी लेखन किया है। शुरुआती लेखन में खासतौर से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कई सारी रचनाएं रची हैं, जिसमें दलितों को लेकर के उन पर कैसे अत्याचार होता है, उन पर किस प्रकार से जुल्म होता है, किस प्रकार से हमारे समाज में शोषण हो रहा है, और किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें खासतौर से यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैं इसके थोड़ा मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था ताकि आप इस दलित विमर्श का मतलब होता कि उसमें दलितों को लेकर के क्या बहस हो रही है, क्या चिंतन किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं विमर्श। विमर्श बोलिए, चिंतन बोलिए, नहीं, दलित समाज के लोगों को किस प्रकार से समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उनमें शिक्षा, ज्ञान, संचार तथा उनके साथ जो भेदभाव रहा, वह भेदभाव ना हो, उनको मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए, इसी को हम बोलते हैं विमर्श, या कह सकते हैं चिंतन। ठीक है, और साहित्य में अगर हम बात करें तो साहित्य में भी एक प्रकार से दलितों को लेकर के चिंतन रहा कि समाज में उनके साथ, क्योंकि हमारा जो समाज है उसने हमेशा क्या क्या है, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था हमारा समाज रहा, हमारे समाज में जाति, अलग अलग जातियाँ बटा हुआ समाज है, और उसमें अगर आप समाज में देखोगे जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय एक प्रकार से क्या करते थे, दलितों पर अत्याचार करते थे, उन पर शोषण करते थे, उन पर दमन करते थे, उस शोषण और दमन को लेकर के जो आंदोलन रहा, उस दलित आंदोलन की भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पर क्या है, दलित को परिभाषित करना, आखिर दलित किसे कहते हैं या किसे कहा गया। देखो कह सकते हैं कि सदियों से हमारे समाज में जो समाज हाशिए पर रहा है, या जो समाज बिल्कुल कटा हुआ समाज था, उसको यानी पहले दलितों को शूद्र, अति शूद्र, चंडाल, हरिजन के नाम से बुलाया जाता था, इनको वैसा बोला जाता था। ठीक है, और यहाँ पर खास तो देखो यहाँ पर जो आपको यानी एक प्रकार से देखोगे तो इनको दया का पात्र बना करके रख दिया था, किसको, दलितों को लेकर के। प्रमुख मराठी साहित्य में अगर हम बात करें तो शरण कुमार कहते हैं कि दलित को दया से घृणा है, उसे दया और सहानुभूति नहीं चाहिए। देखो दलित साहित्य के साहित्यकार हैं, उनका श्याम शरण कुमार जी कहते हैं कि दलितों को कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, दलितों को कोई दया धर्म नहीं चाहिए, बल्कि दलितों को क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, समाज में उनको राइट की ज़रूरत है,
जिस प्रकार का अधिकार ब्राह्मणों को है, जिस प्रकार का अधिकार समाज में क्षत्रियों को है, उसी प्रकार के समान अधिकार दलितों को भी समाज में मिलना चाहिए। दलित को कोई भीख नहीं चाहिए, या कह सकते हैं कि दलित को किसी प्रकार की दया की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समान अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, आज इसकी गूंज मराठी में शुरू होकर के हिंदी भाषाओं में भी रही, यानी कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो गूंज है कि दलितों को अधिकार चाहिए, दलितों को राइट चाहिए, यानी दलितों को किसी प्रकार की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की जो बातें साहित्य में रही हैं, और ये सिर्फ मराठी साहित्य में नहीं बल्कि अन्य जो हिंदी साहित्य है उसमें भी इसकी हमें गूंज देखने को मिल रही है। ठीक, उसी प्रकार देखिएगा, दलित शब्द को दलित साहित्य अथवा व्यापक सार्थक और स्मृतिगत बोध के रूप में देखो, दलित जो शब्द है खास तौर से दलित साहित्य, यानी जब दलितों को लेकर के जब लिटरेचर लिखा जाए, कविताएं लिखी गई या निबंध लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, उन दलित उपन्यास जो लिखे हैं उनमें खास तौर से हम दलित को लेकर के काफ़ी बहस की गई है, विमर्श किया गया है। दलित का मतलब होता है कुचले गए या दबाए गए लोग। दलित का मतलब क्या होता है? जिन लोगों का समाज में शोषण हुआ है, दमन हुआ है, जिन लोगों पर अत्याचार हो गया, उनकी कहानियों को, उनकी पुरातन कहानियां हैं, जिस कह सकते हैं जितनी, देखो कहा जा रहा कि भैया जितना पुराना हमारा हिंदू धर्म है उतने ही पुराने कह सकते हमारे समाज में दलितों के साथ अत्याचार होता था, शोषण होता था, दमन होता था। ठीक है, अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल से लेकर के आप देखोगे तो वहाँ पर जाति की श्रेष्ठता थी। वेद की बात करें, मनुस्मृति की बात करें, पुराण की बात करें, तो ये सभी जो व्यवस्थाएँ थी वर्ण व्यवस्था पर टिकी थी। क्या था भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र थे सबसे नीचे आते थे, निम्न जाति के लोग होते थे, इनके साथ शोषण, दमन, अत्याचार होता था। ये शोषण, दमन और अत्याचार कोई आज नई बात नहीं है, बल्कि यह सदियों से चली आ रही, उनके साथ क्या होता था? शोषण, दमन, अत्याचार होता था। ठीक है, अगर हम बात करें तो खासतौर से दलितों को लेकर बात करें तो लगभग 200 से लेकर के 200 ईस्वी तक शूद्रों की स्थिति की ज्ञान पर मनु ने जो ग्रंथ लिखा, जिसको मनुस्मृति बोलते हैं, मनु ने अपने ग्रंथ में शूद्रों के प्रति घोर अपमानजनक बात लिखी है, और उसने बोला था कि शूद्रों और स्त्रियों को विद्या और वेद पाठन का कोई अधिकार नहीं, उनको वंचित रखा जाना चाहिए। मनु अपनी मनुस्मृति में कहते हैं कि जो शूद्र जाति के लोग हैं और जो स्त्रियाँ हैं उनको पढ़ाई लिखाई करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, तथा साथ ही उन्हें वेद पढ़ने से, पढ़ाने से उन्हें वंचित कर दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार की अगर हम लोग बात करें कि भाई मौर्य काल में देखोगे तो कौटिल्य भी कहता है कि जब कोई शूद्र अपने आप को ब्राह्मण कहे या देवताओं की संपत्ति चुराए तो राजा को उसको क्या करने, उसकी आंखों को फोड़ देना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि दलित को ब्राह्मण कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई दलित खुद को ब्राह्मण कहता है तो उसकी क्या कर देनी चाहिए भैया? उसकी आंखें नष्ट कर दी जानी चाहिए। इस प्रकार की बातें कह सकते हैं जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा है। यानी दलितों पर जो अत्याचार है, जो शोषण है, जो दमन है, वो कोई आज की परंपरा नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है। देखिएगा, व्याख्याकार के अनुसार माना जाता है कि वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण पहले जो थे गुण पर, कर्म पर आधारित होते थे, बाद में इसे ऊंचा नीचा, स्पृता अस्पृता जैसी कई सारी संकीर्ण मानसिकताएँ आ गई हैं। देखो पहले क्या होता है, चार वर्ण होते थे, एक मैंने बताया ना भाई ब्राह्मण होता था, दूसरा क्षत्रिय होता था, तीसरा वैश्य होता था, चौथा शूद्र होता था। पहले काम के आधार पे होते थे भाई, जो ब्राह्मण का जो पठन पाठन का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो सेना में काम करता, जो साहस का काम करता वो क्षत्रिय हो जाता था। फिर क्या होता, जो व्यापार करता उनको हम वैश्य बताते हैं, और जो लोग सेवा करते थे लोगों की उनको शूद्र बोला जाता था। लेकिन बाद में ये जो काम के आधार पे होता था, बाद में इसको जन्म के आधार पर, भैया जिसने ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया वो ब्राह्मण हो गया, जिसने क्षत्रिय के यहाँ पर जन्म लिया वो क्षत्रिय हो गया, जिसने वैश्य के यहाँ पर जन्म लिया वो वैश्य हो गया, और जिसने शूद्र के यहाँ पर जन्म लिया वो शूद्र हो गया। ये कह सकते हैं जिसने SC के यहाँ पर, शेड्यूल कास्ट के यहाँ पर जिसने जन्म लिया वो क्या शूद्र जाति का माना जाने गया। तो कह सकते हैं कि पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, यानी काम के आधार पर थी, लेकिन बाद में इस वर्ण व्यवस्था को किया था वंश के आधार पर या जन्म के आधार पर बना दिया। जब ये जन्म के आधार बनी तो समाज में तमाम तरह की कुरीतियाँ, तमाम तरह की सारी चीज़ें आती हैं, और दलितों के साथ क्या था, अत्याचार है, शोषण है, दमन है। और ये शोषण और दमन कोई आज की चीज़ नहीं बल्कि हमारे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में भी दलितों के साथ शोषण, दमन, अत्याचार होता था। मध्यकाल में भी अगर आप देखोगे तो उनके साथ शोषण, दमन, अत्याचार तो होता ही रहता था, बल्कि जो हमारा आधुनिक इतिहास है उसमें भी देखोगे तो इतिहास में आपको कई सारी घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर इन लोगों के साथ क्या होता था, शोषण, दमन, अत्याचार होता। लेकिन कह सकते हैं कि जब देश आज़ाद होता है और 1947 में कह सकते हैं
देश आज़ाद हुए उसके बाद से, और जब भारत में भारत का संविधान बनता 1950 में और जब संविधान लागू होता तब कह सकते हैं इस छुआछूत को, इस अत्याचार का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, तब जा करके क्या होता, खत्म होता। लेकिन आज भी अगर हम समाज में देखेंगे कानूनी रूप से ख़त्म तो हो गया है, लेकिन आज भी कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा उनके साथ क्या होता, शोषण दमन अत्याचार जैसी घटनाएं हमें देखने को बराबर मिलती रहती हैं। ठीक है, अंबेडकर का निष्कर्ष था कि भारतीय समाज का ताना बाना जाति व्यवस्था पर है और प्रत्येक हिंदू, जहां पर व्यापक अर्थ में किया जा सकता है, जाति में जन्म लेना वह उसकी जाति हो जाती है, धार्मिक सामाजिक आर्थिक और व्यापारिक जीवन को धारण करता है या इसकी माँ की गोद से लेकर के मृत्यु तक। देखो अंबेडकर जी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेता है तो उसकी जाति कभी जाति नहीं है। तो कहते हैं कि एक प्रकार से जाति व्यवस्था का है कि अगर समाज की बात करें तो जाति व्यवस्था समाज में एक प्रकार से क्या करे भाई, छुआछूत कर रही है या एक प्रकार से शोषण और दमन का कारण बन रही है। तो एक प्रकार से कहते हैं ना, कोई एक प्रकार से जाति व्यवस्था जो है समाज में जिस प्रकार की फैली हुई थी, उसी प्रकार से कह सकते जो हम यहाँ पर शूद्रों की बात करें, शूद्र क्या, जिसमें दलित, शूद्र अति शूद्र इनके नाम से जाना जाता था, इनको चंडाल या अस्पृश्यता हरिजन के नाम से भी पहचाना जाता था। और इनके साथ देखो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन कहा जाता कि हरिजन दया का शब्द है, एक प्रकार से व्यक्तियों पर दया करो, और मंदिरों में देववासियों की संतानों को हरिजन नाम दिया, जिसकी कह सकते कि अवैध संतान बोला जाता था। तो कह सकते अगर आप देखो जो महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो हरिजन शब्द दिया था, हरिजन इस शब्द को लेकर के काफ़ी विवाद रहा, और हरिजन का मतलब था कि एक प्रकार से हरि का जन, यानी देखो खास तौर से यहाँ पर हम दलित आंदोलन की बात, तो दलित आंदोलन में हमें यही देखने मिलता कि कह सकते शेड्यूल कास्ट के लोग यही करें कि भैया हमको दया नहीं चाहिए, हमें दया नहीं चाहिए, हम दया के पात्र नहीं हैं, हमें हमारे साथ दया मत करो, बल्कि हमें क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, राइट चाहिए, किसके बराबर, ब्राह्मण और क्षत्रिय के अनुसार, यानी हमें दया के पात्र नहीं, हमें किसी प्रकार की दया दृष्टि इस प्रकार की चीज़ें मत दो, बल्कि हमें क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, बराबरी के अधिकार की क्या बात की जाती है। ठीक है, और ये कह सकते महात्मा गांधी जो हरिजन शब्द दिया था इसका भी एक प्रकार से विरोध होता कि लोग इसको मानते नहीं कि एक प्रकार से आप हरिजन बता रहे हैं, यानी क्या एक प्रकार से हरि के जन, इसमें तो दया का भाव आ रहा था, हमें तो दया तो चाहिए नहीं, हमें तो अधिकार चाहिए, तो राइट चाहिए। तो बाद में क्या था कि बाद में जो भारत सरकार होती है, कह सकते उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, पहले जो हरिजन शब्द यूज किया जाता था इसके स्थान पर अब क्या यूज किया जाता है, अनुसूचित जाति। आप सबको पता होगा कि हमारे संविधान में जो दलित जाति के लोग हैं, जो कह सकते हैं कि जो उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, अनुसूचित जाति क्या है, प्रयोग किया जाता है। अब इस शब्द का प्रयोग होने लग गया है, पहले इस शब्द के प्रयोग का क्या होता था, पहले हरिजन शब्द का प्रयोग होता था, और हरिजन शब्द किसी ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, हरिजन शब्द, लेकिन बाबा बी आर अम्बेडकर ने क्या कर दिया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हम बात करें तो इन्होंने हरिजन शब्द नहीं, बल्कि इन्होंने बोला था संविधान में कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, तो जो कह सकते जो दलित जाति के लोग हैं, इनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, अनुसूचित जाति। इसलिए आपने सबने पढ़ा कि हमारे संविधान में अनुसूचित जाति को जो आरक्षण है, खासतौर से दलित समाज के लोगों को ना तो दलित बोला जाएगा ना तो हरिजन बोला जाएगा, इनके लिए अनुसूचित जो जाति है इसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासनिक रूप से खासतौर से सरकार जो कोई काम करेगी उसमें हर जगह पर अनुसूचित जाति का शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दलित चेतना आंदोलन, अगर मैं दलित चेतना आंदोलन की बात, तो दलित चेतना आंदोलन का मतलब है कि दलितों के साथ जिस प्रकार से हमारे समाज में शोषण होता था, दमन होता था, अत्याचार होता था, उस शोषण दमन और अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन चला उसी को हम कहते हैं दलित चेतना आंदोलन। ठीक है, और इस आंदोलन को करने में कह सकते हैं कि एक प्रकार से वैचारिक लड़ाई है, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, जो दलित जाति के लोग थे, ठीक है, उन्होंने जब अपने अधिकारों को लेकर के क्या अपने अधिकारों को लेकर उनमें जागृति आई, जब उन्होंने आंदोलन किया, तो वही क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, दलित आंदोलन। दलित आंदोलन किस लिए भाई, जिस प्रकार से उनके साथ शोषण होता था, दमन होता था, अत्याचार होता था, उस शोषण दमन और अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन है वही क्या है, दलित चेतना आंदोलन, अगर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे खासतौर से, जैसे यहाँ पर आपको देखे बताया भी गया है, दलित चेतना आंदोलन में खासतौर से अगर आप देखेंगे तो महात्मा ज्योतिबा फुले का संघर्ष काफ़ी योगदान है दलित चेतना आंदोलन में। दूसरा, बी आर अम्बेडकर जो हैं, इन्होंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, तो कह सकते हैं कि दलितों में एक प्रकार की चेतना जागृति, दलितों में कह सकते हो कि एक प्रकार से जैसे चेतना की बात है या जागृति की बात है, इसमें देखोगे तो ज्योतिबा फुले, ठीक है, और बी आर अम्बेडकर,
इनका क्या है खास तौर से योगदान रहा, यानी किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है और दलितों में एक नई चेतना का क्या क्या है प्रयास किया है और मुक्ति संघर्ष की चेतना इन्होंने कहा है। ठीक है, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था में या कह सकते कि उनके साथ क्या होता था, जिस प्रकार से छुआछूत या इस प्रकार की जो चीज़ें होती थी उसको लेकर के बात की गई है। देखिएगा 6 दिसंबर 1956 को दलित क्रांति दूत आदर्श डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महाप्रणय उपरांत उन्हें करीब डेढ़ दशक तक सामाजिक परिवर्तन का कारवां रुक सा गया। स्वतंत्रता दिवस की जयंती पर 2 वर्ष के पूर्व 1970 में देखोगे तो महाराष्ट्र में आंदोलन की पुनः, यानी दलितों को लेकर के आंदोलन हमेशा चलते रहे, खासतौर से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को लेकर हम बात कर सकते हैं। और दूसरा ज्योतिबा फुले, उसमें एक दलित पैंथर भी हम देखेंगे जो महाराष्ट्र में दलितों को लेकर के क्या है एक मूवमेंट को चलाता है, एक आंदोलन चलता है। देखो दलित जो दलित आंदोलन है उनका सबका सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही आधार है कि समाज में जो छुआछूत हो रहा है, समाज में जो अन्याय हो रहा है या जो शोषण हो रहा है, जो दमन हो रहा है, उस शोषण दमन ना हो बल्कि दलित जाति के लोगों को भी क्या अधिकार मिलना चाहिए। संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिए गए हैं वह धरातल पे भी उतरने चाहिए। ये नहीं भाई संविधान में लिख दिया, किताब में लिख दिया, क्यों तो किताब में, लेकिन रियलिटी में भी उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में उनको बराबरी का अधिकार मिले समाज में। इसकी बात कौन करता है, दलित आंदोलन इसी की बात करता है। ठीक है, यहाँ 1.4 में क्या है दलित पैंथर आंदोलन। देखो अगर हम दलित पैंथर की बात करें, एक संगठन है जिसने दलितों को लेकर क्या 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 है आंदोलन चलाया, ये महाराष्ट्र में था। देखिएगा दलित पैंथर संगठन दलित नामक मुक्ति संग्राम का एक जुझारू दस्ता है जिसकी प्रमुख भूमिका राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में, यानी कह सकते हो कि जो दलित पैंथर है इस सामाजिक क्षेत्रों में तथा राजनीतिक क्षेत्रों में क्या करता है, दलितों को अधिकारों को लेकर के या दलितों को न्याय की लड़ाई लड़ने का क्या करता है काम करता है। इस संगठन में अनेक दलित लेखक भी जुड़े थे जिनका उदय अत्यंत विषमतापूर्ण समाज में आर्थिक सामाजिक स्थिति में, गांव में अमीर किसानों और शासन व्यवस्था ने दलितों पर अत्याचार का सिलसिला, यानी जिस प्रकार से आप जो गांव का अमीर आदमी होता था वो क्या करता था, जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार करता था, शोषण करता था, दमन करता था। दलित कभी अस्पृता होने के नाते कभी भी भूमिहीन किसानों के नाते अत्याचार का शिकार होते थे। दलितों का क्या था, छुआछूत होता था या उनके पास भैया जमीन नहीं होती थी, इस आधार पर क्या दलितों का क्या होता था शिकार होता था, उनके शोषण दमन होता था। शहरों में पूंजीवादी व्यवस्था के कारण बेरोजगार युवा साधनहीन के कारण उनमें हीन भावना रहती थी, दिशाहीन युवा वर्ग भटक रहा था, गाँव और शहरों में शिक्षित दलित युवकों की संख्या बढ़ रही थी, ग्रामीण क्षेत्रों में वामपंथी आंदोलन से कारण अत्याचार था, समाज में जिस प्रकार से अन्याय था, अत्याचार था या रिपब्लिकन पार्टी की निष्क्रियता था, इस प्रकार से दलित युवकों को समझने लग गए कि इस बढ़ते अन्याय के खिलाफ केवल कविता लेखन कहानी से कुछ नहीं होगा बल्कि हमें एक आंदोलन करना पड़ेगा, यानी दलितों को लेकर के भाई दलितों के अधिकारों को लेकर के या उनके राइट्स को लेकर के लिखने से कविता कहानी लिखने से कुछ नहीं है बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक आंदोलन करना पड़ेगा, एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा। ठीक है, उसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं जैसे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो दलित पैंथर है एक क्या है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। ठीक है, जो कह सकते हैं कि 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर की स्थापना की जाती है। दलित पैंथर की स्थापना कब की गई है, 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर बना था। दलित पैंथर ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया था, जो जिस दिन 15 अगस्त था उसी दिन उसको क्या मना था, काले दिवस के रूप में मना था। किसने, दलित पैंथर ने। दलित पैंथर उग्र क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, जो दलित पैंथर है ये उग्र और क्रांतिकारी के रूप में इसको जाना जाता है। अनेक वर्षों से जो दलितों के साथ अत्याचार होता था, जो उसके खिलाफ क्या करता है, ये आवाज़ उठाता। दलित पैंथर और साहित्य का संबंध बहुत गहरा है, इस आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता मूलभूत रचना और संस्कृति कर्मी थे। दलित साहित्य आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नई दिशा का बोध भी कुछ पत्रिकाओं में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये क्या है, दलित जो पैंथर एक प्रकार का आंदोलन था जो कह सकते कि महाराष्ट्र में हुआ था। दलित पैंथर एक संगठन है जो दलितों की अधिकारों की क्या करता है, बात करता है कि दलितों को भी अधिकार मिल जाए, राइट मिल जाए। और खास तौर से हमारा देश आज़ाद हो गया है, हमारे देश में
बाबा साहब का संविधान लागू है, फिर भी हमारे देश में क्या दलितों के साथ जो शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, जो दमन होता है, उसके खिलाफ क्या करता है या दलित पंथर क्या करता है, उस आवाज़ को उठाता है और कह सकते हैं कि दलितों के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, 1.6 में क्या अगर आप देखेंगे तो क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले का वैचारिक संघ। देखो अगर मैं ज्योतिबा फुले की बात करूं तो भाई जो ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने कह सकते हैं कि अनेक प्रकार से क्या इन्होंने संघर्ष किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब खासतौर से हमारे समाज में क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी और शूद्रों के साथ क्या होता था, शोषण होता था, दमन होता था, अत्याचार तो होता ही था, निरंतर उनको तमाम तरह के प्रयास झेलने पड़ते थे। जैसे हम बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले जातीय असमानता और आर्थिक विषमता की घोर नफरत थी। देखो ज्योतिबा फुले कह सकते हैं हमारे समाज में जो शोषण होता था, जो दमन होता था, इसके कट्टर विरोधी हैं। वो छुआछूत को नहीं मानते हैं। क्या छुआछूत को नहीं मानते थे? ज्योतिबा फुले का जो जन्म है 1827 में महाराष्ट्र में एक माली परिवार में, किस कौन सी परिवार में, माली भैया जो फूल उल तोड़ते हैं, ठीक है, माली परिवार में। पूना के आसपास माली जाति को क्या बोला जाता था, फूले बोला जाता था। इनका जो जन्म है महाराष्ट्र में पूना के आसपास हुआ था और वहाँ पर जो फूल बेचने का काम करते थे उनको क्या बोला जाता था, फूले। इसलिए इनका नाम क्या होगा, ज्योतिबा फूले, माली जाति से होते थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले के पिता गोविंद राव और माता चिन्मा बाई थी। इनके दो पुत्र हुए ज्योति और राजा राम। जहाँ एक ओर फूले परिवार की स्थिति संभल गई तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेज शासन, बाजीराव पेशवा जैसे भ्रष्ट शासन में व्याप्त जातिगत दोष के कारण मराठा शासन डगमगा रहा था। मराठा शासन उस समय ब्राह्मणों की नियुक्ति की पदोन्नति अथवा उन्हें वरीयता के शासन नहीं कह सकती। कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से ब्राह्मणों का वर्चस्व था या और दलितों के साथ जो शोषण होता था, जो दमन होता था और जो अत्याचार होता था, उस अत्याचार शोषण दमन को लेकर के अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, कौन है, वह ज्योतिबा फुले हैं। समाज में जो भेदभाव होता है, जो शोषण होता है, जो दमन होता है, उसके खिलाफ आवाज़ किसने उठाई है, ज्योतिबा फुले ने। और एक प्रकार से कह सकते दलितों को लेकर के उन्होंने क्या था, आंदोलन किया है, मूवमेंट चला है और कह सकते कि एक बड़े नेता के रूप में हम ज्योतिबा फुले को कह सकते हैं। उन्होंने मानवता शर्म से अपना सिर कर लेने वाली जानकर के पेशवा शासन में ब्राह्मणवादी मानव समान व्यवहार को खतरनाक रूप में उतरी थी। उन दिनों महाराष्ट्र में ब्राह्मण लीला देख करके जब देखने वालों की दृष्टि दहल जाती थी तब भोगने वालों की करुणा कहा जाता था। देखो उस समय क्या था कि अगर आप देखोगे कि महाराष्ट्र में देखोगे, क्योंकि ज्योतिबा फुले भाई महाराष्ट्र हैं और महाराष्ट्र में कहते थे कि उस समय बाजीराव जो पेशवा हैं उनका शासनकाल था, शासन कर रहे थे और वहाँ पर ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, बहुत मजबूत है। और जहाँ पर भी ब्राह्मणों की स्थिति बहुत मजबूत होगी वहाँ पर कैसे तो दलितों का सत्य होगा, शोषण होगा, दमन होगा, अत्याचार होगा। तो उस शोषण दमन अत्याचार को लेकर के अगर किसी व्यक्ति ने महाराष्ट्र में आवाज उठाई थी, क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। और एक प्रकार से उन्होंने क्या कहा था, दलितों के लेकर के जिस प्रकार से उनका शोषण होता था, जिस प्रकार से समाज में छुआछूत है, जिस प्रकार से हमारे समाज में असमानता है, क्या है, असमानता, उस असमानता को लेकर के अगर किसी ने संघर्ष किया है और संघर्ष की लड़ाई लड़ी है तो कौन है, ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, उसके बाद जो अगला इसमें हमें देखना है, खासतौर से दो लोगों को हमें पढ़ना है। ठीक है, अगले जो आपके थिंकर हैं खासतौर उनका मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर हैं। ठीक है, उनको लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। 1.7 में देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर मुक्ति संघर्ष विभिन्न। देखो आप सबको पता होगा भाई दलितों को लेकर के अगर इस देश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है या उनको अधिकार दिलाने का काम किया है तो कौन है, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। यानी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जिस प्रकार से कह सकते हो कि उन्होंने दलितों को लेकर के लड़ाई लड़ी है या जिस प्रकार से उन्होंने उनको, तो आप सबको ऐसे ही पता कि बी आर अम्बेडकर को जब पढ़ने जाते थे क्लास में उसको बैठने नहीं दिया जाता था बल्कि बेचारे बाहर बैठते थे। और उसके बाद भी आप देखो कि उन्होंने 3-3 बार PhD की है, काफ़ी बड़े पढ़े लिखे इंसान है और काफ़ी कैसे हमारी संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे लोगों में उनका नाम है। भारतीय संविधान को बनाने में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का एक बड़ा योगदान हमें देखने मिलता है। और संविधान में जो छुआछूत का अंत होता है, जो अस्पृश्यता का अंत होता है, दलितों को जो आरक्षण मिलता है या उनको मुख्यधारा जोड़ने की जो बात होती है, अगर इस काम को किसी ने किया है तो बी आर अम्बेडकर ने किया है। यह एक कह सकते दलितों को अगर किसी ने अधिकार दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है तो कह सकते हो बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का जो योगदान है दलितों को लेकर के वो बहुत अमूल्यनीय योगदान है। ठीक, क्या है, अमूल्यनीय योगदान है। ठीक है, एक प्रकार से संविधान में जिस प्रकार से आरक्षण हो जाना, छुआछूत का अंत हो जाना,
यह एक प्रकार से जो प्रकार से ब्राह्मणवादी मानसिकता थी उसको कम हो जाना, जिस प्रकार से समाज में छुआछूत होता था, अन्याय होता था, उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है तो अंबेडकर ने आवाज़ उठाई। सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई बल्कि उसको कानूनी जमापन यानी कानून बना करके, नियम बना करके दलितों को कह सकते हैं उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने का काम किया। दलितों को अगर किसी ने अधिकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, अंबेडकर ने। देखो दलित समाज के लोग यही कहते हैं कि हमें दया नहीं चाहिए, हमें दया करुणा के पात्र नहीं है, हमें भीख नहीं चाहिए, बल्कि हमें अधिकार चाहिए, हमें राइट चाहिए। किसके बराबर अधिकार? जिस प्रकार से हमारे समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय के जो अधिकार हैं वही अधिकार, यानी समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, अत्याचार नहीं होने चाहिए। जाति के नाम पर जो अत्याचार होता है, जो शोषण होता है, जो दमन होता है, वह शोषण और दमन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यही दलित आंदोलन की मुख्य आवाज़ रही है। जिस प्रकार से हमारे समाज में प्राचीन समय से जिस प्रकार से शोषण होता था, दमन होता, उस शोषण और दमन जो होता था उस अत्याचार के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है तो कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, और दलित साहित्य में कह सकते हैं कि दलितों की जो आवाज़ है, किस प्रकार से दलितों में अत्याचार होता था, किस प्रकार से शोषण, किस प्रकार दमन होता था, इसमें जैसे मैंने नाम लिया ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो समाज में किस प्रकार से दलितों पर अत्याचार होता था, शोषण होता था, दमन होता, किस प्रकार से हमारे गांव में दलितों के साथ जाति सूचक शब्दों से बुलाया जाता था, या उनके साथ किस प्रकार से उनसे मारपीट भी होती, कई बार उनसे खेत में काम करवाया जाता, उनको मेहनताना नहीं दिया जाता था। इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो आप लोग कह सकते हैं कि खासतौर से हम देखेंगे तो ज्योतिबा फुले जी हों, बी आर अम्बेडकर हों, या जैसे दलित साहित्य में हमने आपको बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, तो इन लोगों ने दलितों को लेकर के अगर क्या किया, बहुत सकारात्मक काम किया है। चाहे आंदोलन हो, बी आर अम्बेडकर तो योगदान तो भुलाया नहीं जा सकता, तो कह सकते हैं कि तीन लीडर मैंने नाम दलित साहित्य में अगर आप देखेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जो दलितों पर जो अत्याचार होता, शोषण दमन होता था, उन्होंने लेख लिखे, कविताएँ लिखी हैं, छंद लिखे हैं, गीत लिखे हैं, अपनी उन्होंने आत्मकथा लिखी, जीवनी लिखे हैं, जिसमें दलितों पर हो रहे अत्याचार को उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार से बी आर अम्बेडकर की बात करोगे तो बी आर अम्बेडकर ने बाकायदा कानून बना करके, संविधान बना करके एक प्रकार से छुआछूत अस्पृश्यता का अंत कर दिया। और हम ज्योतिबा फुले की बात करें तो ज्योतिबा फुले कह सकते हैं कि दलितों में एक प्रकार की चेतना जागृति जगाने का किसी व्यक्ति ने काम किया है, तो कौन है, ज्योतिबा फुले हैं, जो दलितों को बताते थे कि आप पर शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, दमन हो रहा, और आपको इसके खिलाफ क्या करनी है, आवाज़ उठानी है, उसकी बात करते थे। ठीक है, देखिएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 2 क्या है, स्त्री विमर्श अवधारणा और आंदोलन। खासतौर से हम लोग इसमें सबसे पहले 2.2 को देखेंगे, स्त्री विमर्श और अवधारणा। उसके बाद हम देखेंगे 2.3 में पाश्चात्य संदर्भ। पाश्चात्य संदर्भ का मतलब समझते हो भैया, विदेशों में महिलाओं को लेकर के कैसे आंदोलन रहे हैं, विदेश में। भाई आप सबको ऐसे ही बताओ ना, विदेश में जैसे यूरोप की बात करूँ, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की बात करूँ, यहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। अरे महिलाओं को तो वोट डालने का अधिकार नहीं था बहुत लंबे समय, तो महिलाओं ने तो आंदोलन किया है। खास से हमने, आप सबने नारीवादी आंदोलन पढ़ा होगा ना, नारीवादी आंदोलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म। अरे फेमिनिज्म वही है नारीवादी आंदोलन। अरे नारीवादी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, वहीं से अमेरिका और वहीं उन्हीं जगहों से शुरू हुआ था, जहाँ पर महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर के लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर उनको वोट डालने का अधिकार मिला था। नहीं तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, महिलाओं की तो गवाही भी नहीं मानी जाती थी। आप सबको पता होगा जैसे कोर्ट में गवाही दी जाती है, महिला को गवाह के रूप में भी कोई नहीं ले सकता था। कहीं कहीं तो महिलाओं को बताया जाता कि महिलाओं में आधी आत्मा है। ऐसे टाइप के विचार महिलाओं को लेकर के हमारे समाज में रहे हैं। ठीक है, पाश्चात्य संदर्भ का मतलब था कि विदेशों में महिलाओं को लेकर के कैसे विचारधारा रही है, और महिलाओं ने वहाँ पर किस प्रकार के आंदोलन चला करके, मूवमेंट चला करके महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अधिकारों की बात की है। और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो भारतीय संदर्भ है, हमारे प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, या हमारे देश में किस प्रकार से महिलाओं के साथ शोषण होता था, दमन होता था, किस प्रकार से महिलाएं घर की चार दीवारी में रहती थी, सिर्फ खाना चूल्हा चौका बर्तन करती रहती थी, बल्कि उसको पढ़ाई लिखाई करने का कोई अधिकार नहीं रहा। और भारतीय संदर्भ में एक तरफ हम देखेंगे कि महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं को शक्ति का आधार माना जाता था, उसी प्रकार से देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे हिंदू धर्म बढ़ता है तो उसी प्रकार से महिलाओं के जो अधिकार होते हैं धीरे धीरे हमें कम होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब हम इसी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 2.2 में क्या है, स्त्री विमर्श की अवधारणा। आज स्त्री विमर्श पूरी दुनिया में कह सकते हो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें स्त्री के सभी पक्षों को लेकर के
पुरुष के सापेक्ष कहा जाता है। स्त्री विमर्श एक ऐसा संवाद है जिसमें बहस स्त्री अपने अधिकारों की बात करती है। देखो भाई, स्त्री विमर्श का मतलब है कि जब महिलाएं अपने लिए पुरुषों के बराबर अधिकार की मांग करती है। देखो भाई, महिला का कहना यह है, स्त्रियों का कहना है कि समाज में जो पुरुषों को अधिकार मिला है वही महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए, यानी जो अधिकार पुरुष को है वही समान अधिकार महिला को। यही इस देखो विमर्श का मतलब होता है कि जो बहस हो रही है, जो बातचीत हो रही है, जो डिबेट हो रही है, उसको हम बोलते हैं विमर्श। और स्त्री का मतलब आप समझते हो कि महिला, नहीं, महिलाएँ अपने अधिकारों को लेकर के जो बहस कर रही हैं, जो चर्चाएँ कर रही हैं, जो डिबेट कर रही हैं, वो है क्या, स्त्री विमर्श। और स्त्रियाँ क्या करें कि हमें समाज में पुरुषों के बराबर हमको भी अधिकार मिले, हमको भी राइट मिले। पुरुष जिस प्रकार से, आपको पता होगा ना, जो भाई जो लड़का है, अगर घर परिवार में हम बात करें तो लड़का क्या होता है, लड़कों को देखा होगा ना भाई, लड़का जा करके दिल्ली में पढ़ रहा है, कोटा जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, कहीं जा करके मुखर्जी नगर में जा करके बैठा पड़ा है, वहाँ सालों महीने सालों साल तक कोचिंग कर रहे हैं। बेचारी लड़की की बात आती है तो बोलेंगे तू किसी ऐसे छोटे मोटे कॉलेज से पढ़ ले, उसको पढ़ाई करने का कहीं ज़्यादा अधिकार नहीं मिलता। उसी प्रकार से अगर नौकरी की बात करूँ तो लड़के जा करके भाई कोई बेंगलोर जा करके नौकरी कर रहा है, कोई कहीं जा करके नौकरी कर रहा है, लेकिन जब लड़कियों की नौकरी करने की बात है तो परिवार वाले बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना है, नौकरी करने की कोई जरूरत। तो अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से हमारे समाज में भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव की हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आप देखेंगे महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार से महिलाओं को चार दीवारी में रखा जाता है, अगर हम बात करें आज भी जो शादी विवाह है उसमें देखा होगा कि लड़कियों की बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, माता पिता जहाँ कह देते हैं लड़की को वहीं शादी करनी पड़ती है, लड़का चाहे कैसा भी हो, लड़का चाहे कैसा भी हो उसकी बेचारी को शादी करनी पड़ती है। तो यही कह सकते कि महिलाएं इसी बात, अगर शिक्षा की बात करें तो कई बार आप सबने देखा कि जो जैसे मान लीजिए किसी घर में बेटा है तो बेटे को बहुत ज़्यादा अधिकार हैं, वो तो भाई पढ़ सकता है, उसको माँ बाप पढ़ाते हैं, लेकिन बेटी को क्या मानते हैं, भाई पराया धन है, उसके लिए तो सिर्फ दहेज इकट्ठा करते हैं वो लोग, बस खाली उसकी उसको उसकी पढ़ाई में जो पैसा खर्च होना है वो पढ़ाई में खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उस लिए क्या करते हैं, दहेज इकट्ठा करते हैं, मोटा दहेज बनाते रहते हैं। और बिचारी को उसको पढ़ाते नहीं, उसको मानते हैं कि उसको पोषण में भी हम लोग बात करते हैं, बेटा होगा तो उसका खान पान अच्छा रहेगा, ये उसको खाने पीनाने में घर परिवार वाले ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन अगर लड़की रहेगी तो वैसा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे समाज में क्या होता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, और यही भेदभाव कह सकते हैं कि महिला इन्हीं के लेकर के बातें कर रही हैं। अरे आज के समय में जो भेदभाव रहा, आज के पहले की अगर बात करें तो महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार नहीं होते थे। आप सबको पता होगा कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि महिलाओं को तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। देखो भाई, भारत में हमेशा जब से हमारा देश आ जाओ तब से महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन हम अगर अब यूरोप की मैं बात करूँ तो यूरोप में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, महिलाओं ने वहाँ पर आंदोलन किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नारीवादी आंदोलन बोला जाता है। उन नारीवादी आंदोलन के जरिए क्या महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, नहीं तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। मैं यहाँ तक बता दूँ, ऐसे यूरोप के कई सारे देश हैं, कह सकती हूँ, जहाँ पर महिलाएँ बैंक में खाते तक नहीं खुलवा सकती थी, इतना तक उनको अधिकार नहीं था। ठीक है, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं तो कह सकते हो कि महिलाओं को माना जाता है कि उनमें आधी आत्मा है। इस प्रकार से अगर आप देखो तो हमारे समाज में महिलाओं को साथ क्या होता था, शोषण होता था, दमन होता था, एक प्रकार से कह सकते हैं उनके साथ असमानता होती थी, उनको समान नहीं माना जाता था। जैसे मैंने धर्म में बात किया ना, कई सारे धर्म बता रखा कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, महिला को बोला था कि भाई घर का क्या करे, पालन पोषण करे। ठीक है, अगर हम महिला की बात करें तो महिला को क्या बताया था, भाई घर की देखभाल करे, घर का पालन पोषण करे। ठीक है, उसको उसको बोला था, महिलाओं के लिए बड़े बड़े आदर्श समाज में बना दिए हैं, भाई इसको तुमको सीता जैसी बनना है, तुमको सावित्री जैसी बनना है। ठीक है, तुमको कैकेयी जी से, सॉरी कैकेयी बोल दिया, कैकेयी नहीं बल्कि सीता सावित्री, जो बड़े बड़े रानी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है। इस प्रकार से महिलाओं के लिए समाज ने क्या कर दिए हैं, बड़े बड़े आदर्श सेट कर दिए हैं, और महिला बिचारी उन्हीं आदर्शों का पालन करती रहती है। जैसे आज्ञाकारी पुत्री है, बता देना कि ना लड़की को आज्ञाकारी होना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्री होनी चाहिए, ममतामयी माँ होनी चाहिए, स्नेह बहन होनी चाहिए, पतिवर्ता नारी होनी चाहिए। पतिवर्ता नारी क्या, भाई पति कैसा भी है, पति शराबी है, गंजेड़ी है, पति चाहे दुष्ट आदमी है, लेकिन उसकी क्या करे, उस पति पूजा करे। अरे फिल्म तुम सबने देखा ना, कैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, यानी समाज ने एक प्रकार से क्या कर रखा है, महिलाओं को एक प्रकार से अपने जाल में जकड़ रखा है, गाना बना रखा है ना फिल्मों में, कैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो मेरा पति मेरा देवता क्या बताया जा रहा है, भाई पति कैसा भी हो
उसको क्या मानना है, देवता मानना है। अब पति शराबी है, गंजेड़ी है, आकर के उस पत्नी को मारता है, पीटता है, उसके साथ अत्याचार करता है, तो क्या है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं कहना है, उसके पूजा करनी है बस खाली। तो ये क्या है, इस चीज़ें यही बता रही हैं कि एक प्रकार से जो हमारा समाज है क्या पितृ प्रधान समाज है, क्या कह सकते हैं पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो खास तौर से साहित्य में, लिटरेचर में भी इसी बात को कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। महादेवी वर्मा हो, मनु भंडारी हो, इन सभी लोग क्या करें कि महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिले, बराबरी का दर्जा मिले, और महिलाओं के साथ समाज में जो शोषण हो रहा है, जो दमन हो रहा है, वह शोषण और दमन नहीं होना चाहिए। आप सबको ऐसे पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तब क्या है भाई, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है। लेकिन अगर मैं यूरोप की बात करूँ, यूरोप में महिलाओं को अधिकार नहीं था, बल्कि उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, पाश्चात्य आंदोलन, हम उसको पढ़ेंगे किस प्रकार से उन्होंने पूरा मूवमेंट चलाया है, तब जाकर उनको वोट डालने का अधिकार मिला है। तो महिलाओं को जो वोट डालने का अधिकार मिला है, सारे जो उनको अधिकार हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है तब जाकर उनको ये सारा अधिकार मिला है। ऐसे आसान नहीं था उनको अधिकार मिलना, क्योंकि हमारे समाज में एक प्रकार से क्या था कि महिलाओं को द्वयम दर्जे का माना जाता था, पुरुष के समान नहीं, पुरुष के बराबर तो माना ही जाता था, या पुरुषों में ही महिलाओं की गिनती कर ली जाती थी, ठीक है, उनके साथ शोषण होता, दमन होता। आज भी समाज में आप सबको ऐसे भी आप सब देखते होंगे कि लड़की को तो पढ़ने का अधिकार ही बहुत कम मिलता है ना, लेकिन आज समाज में आप देख रहे होंगे महिलाएं कितनी आगे जा रही हैं, लड़कियां कितनी आगे जा रही हैं, क्योंकि जिसको कम अवसर मिलता है, जिसको कम से कम अवसर मिलता है, अगर उसको एक मौका मिलता ना, उस मौके का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसलिए आप सबने देखा होगा ना, तमाम तरह की नौकरियों में, तमाम तरह की वैकेंसी में महिलाओं का बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे ना, जैसे UPSC है, उसमें देखो टॉप 10 में क्या 7-8 उसमें क्या है, महिलाएं लड़कियां हैं। उसी प्रकार से आप नीट की बात करोगे, नीट जितने भी आज कंपिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्या है, महिलाओं का बहुत ज़्यादा दबाव। रीज़न क्या है, क्योंकि महिलाओं को कम अधिकार मिलता। अरे उसको पहले से पता है कि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं, अगर मैं नहीं पढ़ाई करूंगा या मैं सही से नहीं करूंगा तो क्या होगा, उसको पहले से पता कि फिक्स है जाकर के पति के सेवा करनी है या किसी के आश्रय में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी महिलाओं की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर किसी भी लड़की की आर्थिक स्थिति नहीं है, तो उसको घर वाले के कहने के अंडर चलना पड़ेगा, और जब इसकी शादी हो जाएगी तो पति के कहने को करना पड़ेगा, ये ऐसी स्थिति बनेगी। तो महिलाएं खास तौर से देखा होगा कि किसी भी लड़की को अगर एक भी मौका मिलता है तो बेचारी क्या करती, पूरा हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मौका निकल गया तो उसकी स्थिति जो रहेगी वो कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। इसलिए साथ देखा होगा कि अगर लड़की को, किसी महिला को अगर एक भी मौका मिलता है तो वह छोड़ने का प्रयास नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या बता रही हैं कि भाई महिलाओं के साथ, और स्त्री विमर्श की हम बात करें कि खास तौर से महिलाओं को भी पुरुष के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, पुरुष के बराबर राइट मिले, भेद जो समाज में भेदभाव रहा वह भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखोगे दलित विमर्श का अर्थ क्या है भाई, सॉरी दलित स्त्री विमर्श, स्त्री विमर्श दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्त्री और विमर्श। स्त्री का मतलब होता है महिला, नारी होता है, लड़की होता है, और विमर्श का मतलब होता है कि संवाद और बहस, यानी कह सकते हैं स्त्रियों को लेकर के जो हम बहस कर रहे हैं, जो संवाद करें, किस प्रकार की बहस संवाद करें कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, पुरुषों के बराबर भी राइट मिलने चाहिए, या पुरुषों के बराबर भी उनको समाज में मान्यता मिले, उनके साथ किसी प्रकार का रूढ़िवादी जो परंपरा है वो नहीं होना चाहिए, या महिलाओं को एक प्रकार से जो घर की चार दीवारी में कैद कर रखा है उसमें कायद नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको भी समान अवसर मिले। किसके पास समान अवसर, पुरुषों के बराबर उनके अवसर मिलना चाहिए, उसकी बात करता है, ठीक है। स्त्री विमर्श की परिभाषा क्या है, देखो स्त्री विमर्श स्त्री मुक्ति की बात करता है। स्त्री मुक्ति का मतलब होता है कि एक प्रकार से स्त्रियों को समाज ने जिस प्रकार से जकड़ रखा है, कई तरह की परंपराएं हैं, कई तरह के रूढ़िवादी विचार हैं, इनसे मुक्त, और स्त्री मुक्तिवादी आंदोलन की बात करता है। देखो स्त्री विमर्श में विमर्श शब्द अत्यंत व्यापक है। विमर्श शब्द का व्यक्ति परक अर्थ है कि विचार विमर्श, सोचना और आलोचना करना। देखो विमर्श का मतलब ये था कि महिलाओं के बारे में जो बात हो रही, जो बातचीत है, उनको किस प्रकार से अधिकार मिले, किस प्रकार से राइट मिले, उसी को हम क्या कह रहे हैं, विमर्श कह रहे हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं पाश्चात्य संदर्भ में, देखो एक चीज मैं बता दूँ, इतिहास की बात हो, लगभग पितृसत्तात्मक का जो इतिहास है लगभग 4 वर्ष पुराना है, पितृसत्ता का जो इतिहास है, ठीक है। देखो आप सबको पता कि जो घर का मुखिया होता कौन होता है, पुरुष होता है। घर के घर और बाहर सभी कामों को की जिम्मेदारी निर्णय कौन लेता है, भाई भाई घर में अगर आप देखोगे तो
घर की जिम्मेदारी किस पर होती है? पुरुष की होती है, चाहे कोई भी काम हो, जिसके परिणाम स्वरूप आज पुरुषों को क्या है, समस्त अधिकार है, पुरुषवादी वर्चस्व है। पितृसत्ता यानी पुरुष समाज को विशेषाधिकार है, जिसके कारण महिलाओं पर किसी प्रकार का दबाव डाल करके उनका सोचना करें कि समाज में पुरुषों का क्या है, एक प्रकार से अधिकार है, घर पर भी पुरुषों का क्या है, अधिकार है, एक प्रकार से क्या है, संपत्ति पर उसका अधिकार है, तो क्या करा है कि महिलाओं को क्या करा है, एक प्रकार से उनका शोषण कर रहा है, क्योंकि पूरा समाज जो है लिंग आधारित है। प्रारंभिक युग से बात करो तो वहां पर भी लिंग के आधार पर श्रम विभाजन है। आप सबने देखा ना भाई, पुरुष जो है अलग काम करते हैं, महिलाएं अलग काम करती हैं। जो पुरुष है घर के बाहर जाता है, खेत में जाता है, खेती बाड़ी करता है, बाहर के काम करता है, बेचारी जो महिला होती क्या करती है, खाना बनाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, घर के चूल्हा चौका बर्तन करती है। यानी कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर भी, महिला और पुरुष के आधार पर भी क्या है, काम का बंटवारा कर दिया गया है, हुआ है ना। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि पाश्चात्य में देखो, अगर हम पहले चरण की बात करूँ तो देखा होगा स्त्री आंदोलन अमेरिका से यूरोप में, पूरे यूरोप में अलग अलग भागों तक पहुंचा है, और महिलाओं ने अपने मताधिकार को लेकर के आवाज़ उठाई थी। देखो स्त्री संघर्ष का जो पहला चरण था उसमें क्या था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं ने क्या किया था भाई, उनको वोट डालने का अधिकार मिले, उनको वोट देने का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, आवाज़ उठाई थी। ये पहला चरण है, यानी उनको भी कह सकते हैं उनको भी उच्च शिक्षा का अधिकार मिले, रोजगार का अधिकार मिले, विवाहित महिला को संपत्ति का अधिकार मिले, प्रजनन संबंधी अधिकार मिले, और समान वैवाहिक कानून की मांग की थी महिलाओं ने। महिलाओं ने किस किस अधिकारों की मांग की है, उच्च शिक्षा का अधिकार चाहिए महिलाओं को, रोजगार का अधिकार चाहिए, विवाहित महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, प्रजनन नियंत्रण और वैवाहिक कानून की मांग की थी। देखो अगर मैं बात करूँ तो महिला करे कि भाई उसे भी पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिले, उच्च शिक्षा वो भी प्राप्त करे, रोजगार का अधिकार, यानी महिलाएं भी बाहर जा करके कमाएं धमाएं रोटी रोजगार कमा सके, इसका राइट होना चाहिए। विवाहित महिलाओं को संपत्ति, जिस महिला की शादी हो जाती है उस महिला को भी पुरुष की संपत्ति में उसको भी अधिकार मिलने की बात की जाती है। जैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसका जो पति है, ठीक है, उसकी संपत्ति में उसका राइट होना चाहिए, इस अधिकारों की बात की गई थी। प्रजनन संबंधी अधिकार का मतलब कि महिला, देखो आप सबको पता हो कि अगर किसी महिला की शादी हो जाती है उसको कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब करने हैं, इसका कोई उसका कंट्रोल नहीं रहता है, बल्कि जो घर वाले हैं, जो उसका पति है, यही सारे डिसाइड करते हैं। तो महिलाएँ करें कि भाई यह है कि जो बच्चे पैदा करने वाली बात है, जो प्रजनन संबंधी अधिकार है, वो भी महिलाओं के अंडर में ही होना, स्वतंत्रता होनी चाहिए। माँ को कह सकते हैं कि महिला को कब माँ बनना है, कब नहीं बनना है, इस प्रकार के जो डिसीजन है, इस प्रकार के जो फैसले हैं, वो भी महिलाएं ही लें, ये नहीं कि घर का पुरुष ले रहा, उसका पति ले रहा है, इस प्रकार से महिलाओं को अधिकार मिले। समान वैवाहिक कानून की मांग, शादी करने के बाद पुरुष को जो अधिकार मिले हैं वही अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। महिलाएँ जो हैं इसी प्रकार के अधिकारों की क्या कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि संपत्ति का अधिकार है, सारे अधिकार। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में महिलाओं ने क्या किया था अपने आंदोलन में, खास तौर से अगर आप देखोगे दूसरे चरण में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के कौन कौन से अधिकारों की बात करती थी। जैसे घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ जो घरों में मारपीट की जाती थी वह घरेलू हिंसा खत्म हो, स्वतंत्रता, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिले, कार्यस्थल पर सुरक्षा, अगर महिलाएँ कहीं पर नौकरी कर रही हैं तो उनके साथ, जैसे कई बार महिला क्या करती है भाई, कहीं पर नौकरी कर रही, नौकरी चाकरी कर रही है, तो उसके साथ वहाँ पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, शोषण ना हो, दमन ना हो, इस प्रकार से जो उसका वर्क प्लेस है, जो कार्यस्थल जहाँ पर नौकरी कर रही है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस प्रकार के जो मुद्दे थे उन्होंने दूसरे चरण में महिलाओं ने उठाया था। नागरिक अधिकार आंदोलन की बात करती है, यानी महिलाओं के साथ नस्लीय उत्पीड़न और गुलामी प्रथा के खिलाफ उन्होंने बनाया था, यानी महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है वो ना हो, महिलाओं को प्रजनन संबंधी अधिकार मिले, यानी महिला ही डिसाइड करे उसको कब माँ बनना है, कब नहीं बनना है, इस प्रकार के अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए, इसको लेकर भी आंदोलन रहा है। घरेलू हिंसा, जिस प्रकार से महिलाओं को भाई कई बार जैसे शादी हो जाती है उसका जो पति है उसको मारता है, पीटता है, तो उनको घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस पर भी अधिकारों की बात करती थी। महिलाओं को स्वतंत्रता मिले, कार्यस्थल पर नहीं जहाँ पर नौकरी कर रही, रोजगार करने जाती, वहाँ पर अगर उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई छेड़ता है, इस प्रकार की घटनाएं, आपको पता है कि जब कई बार जो महिलाएं जब कहीं पर नौकरी करती हैं तो वहाँ पर तमाम तरह के व्यक्ति होते हैं भाई, उनके साथ छेड़खानी करना, टीका टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, गलत इशारे करना, गलत तरीके से छूना, इस प्रकार के जो सारे काम होते हैं उन पर पाबंदी लगे, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इस अधिकारों की भी मांग क्या करती हैं महिलाएं करें, जो दूसरा चरण था। ठीक है, जो तीसरा चरण है
स्त्रीवाद का तीसरा जो चरण था उसमें कह सकते हैं कि यह जो चरण है बिखरा हुआ और असंगठित था। इस दौर में स्त्रीवादियों ने दूसरे चरण के संघर्षों द्वारा पाई गई सफलताओं को महत्व तो नहीं दिया उतना। उन्होंने विमर्श कह करके खारिज कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि उन्हें स्वायत्तता तीसरे दौर में महिलाओं को मिली है। उन्होंने फोर्स मदर के संघर्षों का परिणाम है। स्त्रीवादी आंदोलन जो तीसरा चरण है वह 1990 में शुरू होता अमेरिका में। इस दौरान पुनः स्त्रीवादी होने का अर्थ का तलाश थी। इसमें अगर आप देखो जो तीसरा चरण था इसमें देखा जाए तो स्त्रियों को घर और बाहर दोनों जगह पर हमेशा बराबर का दर्जा मिलना चाहिए इसकी बात करती थी। उन्हें कभी भी अपने जुल्मों के बारे में बोलने का और अपने वजूद के अभिव्यक्ति की बात का अवसर नहीं दिया गया है। स्त्रियों का यानी तीसरे चरण में अगर आप देखो तो जहाँ पर स्त्रियाँ अपनी बातें समस्याएं शोषण मारपीट पितृसत्ता द्वारा उत्पीड़न बलात्कार भेदभाव शक्ति इसकी बात की जाती थी। यानी महिलाओं को एक प्रकार से अधिकार मिले, महिलाओं के साथ जो भेदभाव खत्म होना चाहिए तीसरे चरण में बात की जाती थी, उनके साथ जो पितृसत्ता व्यवस्था जो उत्पीड़न करे वो खत्म होना चाहिए, उनके साथ जो बलात्कार जैसी घटनाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए, उनके साथ जो शोषण हो रहा शोषण दमन ना हो। यानी तीसरे चरण में देखोगे तो महिलाओं ने इस प्रकार के जो आंदोलन हैं उन्होंने किए, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उन्होंने अपने उठाए। यानी महिलाओं के खिलाफ जो शोषण हो रहा है उस शोषण नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ जो शोषण दमन है उस शोषण और दमन पर रोक लगनी चाहिए। इस प्रकार के जो मुद्दे थे इश्यू जो थे उन्होंने तीसरे चरण में अपने लिए उठाए थे। ठीक है, ये तीन चरण है। चौथे चरण की बात करूँ तो जो तीसरा देखो अगर आज देखोगे जब से भाई इंटरनेट आ गया जब से मोबाइल है तब से महिलाओं को खूब सारी स्वतंत्रता मिली है ना। मोबाइल और इंटरनेट आने से आप सबने देखा जब से 2G 3G 4G 5G आ गया है इस संसार में दुनिया में कह सकते हैं कि स्त्रियों को जोड़ा है। इससे स्त्रियों के भीतर में एक आत्मविश्वास आया है। देखो जब से कह सकते हैं नई क्रांति है जब से टेक्नोलॉजी आई है आप सुन रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम है फेसबुक है ट्विटर है जो सारी सोशल मीडिया वहाँ पर देखो ना कि महिला किस प्रकार से अपने कौशल को दिखा रही हैं। कई महिला जो डांस कर रही हैं कोई गा रही है कोई अपने काम को कर रही है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो महिलाओं को एक प्रकार से नया आत्मविश्वास दिया किसने सोशल मीडिया ने जो चौथा चरण है जो 2010 के बाद माना जाता है जिसने इंटरनेट आने से कह सकते कि महिलाओं की स्वतंत्रता में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आप सबको पता ना जब से 2G 3G 4G 5G आया है तब से महिलाओं में एक प्रकार से नया आत्मविश्वास साहस और जागृति को पैदा किया है। सोशल मीडिया आज नए नए तरह के स्त्रियों के शोषण को भेदभाव को बता रहा है। सोशल मीडिया पर स्त्रियां जो हैं अब अपनी बात जो है खुलकर के कह रही हैं और उनके साथ कुछ होता है। सोशल मीडिया पर जो स्त्रियां हैं वो अपने फोटो को शेयर भी करती हैं जिस प्रकार से देखा होगा। अगर उनके साथ किसी प्रकार का साइबर क्राइम होता है उसके खिलाफ भी शिकायत हो रही है। तो जब से सोशल मीडिया है तब से देखा होगा कि महिलाएं जो है अपने अधिकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं सशक्त हो गई। अब उनके साथ अगर देखोगे अगर उनके साथ कोई ब्लैकमेलिंग होती है उनके साथ शोषण होता किसी प्रकार की अगर होता है तो आकर के ऑनलाइन में आकर के क्या कर सकती हैं अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं तो चीज़ों कर सकती हैं। यानी आज जो महिलाएं जब से इंटरनेट आया है तब से कह सकते हैं कि महिलाओं को एक प्रकार से उसने क्या बहुत ज़्यादा आज़ादी दी है। आप सुनिएगा कि महिला अपना अकाउंट बनाती हैं अपना सोशल मीडिया स्वयं चला रही हैं स्क्रॉल कर रही हैं वीडियो बना रही हैं डांस कर रही हैं इसके जरिए क्या करें उनमें आत्मविश्वास जो है काफ़ी बढ़ा है। साथ में अगर उनके साथ कोई शोषण होता है दमन होता अत्याचार होता है तो आकर के सोशल मीडिया में उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर के वो अपनी बातें क्या कर सकते हैं कह सकती हैं। ठीक है, एक्ट 2.4 में क्या भारतीय संघ देखो भारतीय संघ का कहने का मतलब कि हमारे जो भारतीय संघ में महिलाओं के साथ किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति कैसे रही खासतौर जैसे हमारे प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति कैसे थी और फिर हमारा जो आधुनिक काल है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसे रही खासतौर से हमारे इतिहास में भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति हमें किस प्रकार से देखने को मिलती है हम उसकी बात करेंगे। जैसे नवजागरण काल में या आधुनिक काल में किस प्रकार से देखो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो आप देखो महिलाओं के बारे में पूरा पाषाण काल से ही हमें जानकारियाँ मिलती हैं। अब अगर मैं पूरा पाषाण की काल की बात करूँ तो उस समय जो समाज था वह मातृप्रधान समाज होता था लेकिन अगर वहाँ पर देखोगे जो वंश था वो माँ के नाम से चलता था कब पाषाण काल में। अगर देखो पाषाण काल की बात करूँ तो महिला और पुरुष बराबर थे किसी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं था। पाषाण काल में कह सकते हो महिला और पुरुष यानी सिंधु घाटी सभ्यता हो हड़प्पा सभ्यता हो पाषाण काल हो वहाँ पर महिला और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर क्या थे अधिकार थे सारा राइट मिला हुआ था ये बिल्कुल क्लियर है। पूरा जो लोग होते जंगलों में रहते थे वहाँ पर शिकार करते थे शिकारी संग्रह करता होता था शिकार किया जाता था लाया जाता उसको
महिला भी खाती थी, पुरुष भी खाते थे। महिलाएं क्या करती, घर के काम करती थी। महिलाएं शुरू में शिकार नहीं करती थी, कई बार कैसे पाषाण काल में महिलाएं भी शिकार करने जाती थी। तो कह सकते हैं कि वहां पर महिला और पुरुष में किसी अगला है टू कौन सा भाई, शिकार में मदद करती थी। जो पुरुष होता था वो क्या करता, कई बार खेती करता था, तो महिलाएं भी, यानी कह सकते कि प्राचीन काल में अगर हम देखेंगे तो महिला और पुरुष के, पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। महिला और पुरुष क्या है, दोनों समान है, इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे जब हमारा मौर्य काल आता है, मौर्य काल में या मध टाइम में या कुषाण युग में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर कई प्रकार के ग्रंथों की रचना की जाती है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। जब इनकी रचना की जाती है तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे एक प्रकार से हमारे समाज में धीरे धीरे क्या होता है कि महिलाओं की जो स्थिति है धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। कैसे होती चली जाएगी अगर मैं बात करूँ तो, अगर आप देखेंगे कि जब हमारे समाज में, जब अगर हमारा जो समाज है ना धीरे धीरे पितृसत्तात्मक समाज बनता चलेगा, यानी आप देखोगे वैदिक सभ्यता से, वैदिक युग से क्या होता है, समाज में रूढ़िवादी समाज हो जाएगा। किसको लेकर के, महिलाओं को लेकर के। देखो जब समाज में वर्ण व्यवस्था हावी हो जाएगी, क्या जब समाज में वर्ण व्यवस्था हावी हो जाती है जिसमें क्या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जब इस समाज में वर्ण व्यवस्था हावी हो जाती है, और जब वैदिक काल आता है, और वैदिक काल में कह सकते हैं जब उत्तर वैदिक काल आता है तो वहाँ से धीरे धीरे जो महिलाओं की स्थिति है वो धीरे धीरे कमजोर होती है। आने वाले समय में प्राचीन काल में बता रहे हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उनको पढ़ाई लिखाई करने का जो अधिकार है वो कम हो जाता है, या कह सकते हैं न्यून हो जाता है। अब धीरे धीरे देखो कि महिलाओं को जो पहले ज़्यादा स्वतंत्रता थी वह स्वतंत्रता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो। देखो हिंदू धर्म की जब शुरुआत होती है तो महिलाओं को खूब सारे अधिकार हैं, खूब सारे राइट हैं। आप सबने रामायण में देखा ना, रामायण की ये घटना हमें बहुत चीज़ को बताती है कि सीता जी ने अपना वर जो है स्वयं चुना था। क्या थी उस समय, लड़की चुन सकती थी किससे शादी करनी है, किससे ब्याह करना है, क्या थी स्वतंत्रता थी। आप सुन, यानी जो स्वयंवर होता था, स्वयंवर हमें क्या बताता है भाई, सीता जी भगवान राम का जो स्वयंवर है, यानी महिला को, लड़की को अधिकार होता था कि उसको किससे शादी करनी है, उसको राइट होता था। लेकिन आज के समय राइट भाई, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा राइट खत्म हो गया ना, वो तो माँ बाप शादी करवाने कैसा भी आदमी उससे शादी करवा देते थे। लेकिन कह सकते प्राचीन काल में एक समय कह सकते कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता थी, पुरुष के बराबर महिलाओं का अधिकार होता था। रामायण की घटना हो, महाभारत की घटना हुआ, वो घटना हमें यही बताती है कि वहाँ पर आप सबने स्वयंवर देखो ना, महाभारत में जो स्वयंवर है ना, सुना होगा, वहाँ पर भी जी सर। जैसे जैसे हिंदू समाज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हिंदू धर्म आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जब समाज में वर्ण व्यवस्था हावी होती, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हावी होती हैं, और समाज में जब जातिवाद बढ़ता है, तब धीरे धीरे महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। महिलाओं को एक समय पूजा में बैठने का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की जो पूजा में बैठने का अधिकार खत्म हो जाता है। महिलाओं को जो शिक्षा संबंधी अधिकार थे, महिलाओं के शिक्षा संबंधी अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। जैसे जैसे हम प्राचीन काल से मध्य काल में आएंगे तो मध्य काल में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल खराब है। नहीं, महिलाओं को कह सकते हैं कि दलितों के समान माना जाता था। कई कई जगह पर तो ये लिखा गया है कि महिलाओं को निम्न दर्जा दिया गया है, एक प्रकार से पुरुष के अंतर्गत ही मान लिया गया था। देखो प्राचीन काल में देखोगे तो महिलाओं की स्थिति ठीक है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन जैसे प्राचीन काल से हम मध्य काल में गए तो मध्य काल में महिलाओं की स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, स्थिति धीरे धीरे खराब हो। तो प्राचीन काल में मोस्टली यही रहता है, स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन हम जैसे प्राचीन काल से मध्य काल में आ गए तो मध्य काल में देखोगे तो यहाँ पर मुस्लिम शासक आ जाते हैं खासतौर से। और अगर यहाँ पर देखोगे जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें और मुगल काल की बात करें, तो दिल्ली सल्तनत काल में, मुगल काल में, प्राचीन काल में तो वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है काफ़ी खराब। आप सबको बताओ कि इस्लाम में भी महिलाओं की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप सबको पता ही होगा। अगर मैं इस्लाम की बात करूँ तो इस्लाम में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी महिलाओं की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। आप सबको मैं बता दूं पहले भाई क्या होता, जैसे मान लो कोई किसी राजा ने किसी राजा को हरा दिया, जो राजा हार जाता था, जो जीतता था वो जाकर के जो हार गया उसकी पत्नी से विवाह कर लेता था, इस प्रकार के कुकृत्य चलते थे। यानी एक ही महिला को कई कई बार शादी करनी पड़ती थी, यानी जो जीत लेगा उसे शादी हो जाती थी, इस प्रकार के कुछ। मध्य काल में कह सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है, न तो उनको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है, बल्कि उनको घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है। बल्कि वो क्या करती हैं, खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, बर्तन करना, और बल्कि कह सकते हो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन तक सीमित रह जाती हैं।
प्राचीन काल में खासतौर से यही दिल्ली सल्तनत काल में और मुगल काल में अगर आप देखेंगे तो कुछ ही महिलाएं हमें देखने को मिलती है जिनको अधिकार था। अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूँ तो वहाँ पर आपने रजिया सुल्तान का नाम सुनोगा, रजिया सुल्तान शासिका बन पाती है, बल्कि उसको छोड़कर कोई भी मुस्लिम महिलाओं में शासिका तक नहीं बन पाती। उसी प्रकार से अगर मैं मुगल काल की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ महिलाओं को छोड़ करके अगर आप देखोगे खासतौर से जैसे मुमताज महल हैं या कह सकते हैं कि नूर जहाँ हैं, ठीक है, या इनका इन महिलाओं के अगर हम नाम छोड़ दें तो बाकी मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति है बहुत ख़राब है, समाज में उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही, उनके साथ भेदभाव शोषण दमन अत्याचार खूब चलता रहता है, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। अगर उसके बाद देखें जब मध्यकाल में ही देखोगे सती प्रथा है खूब चलता है, सती प्रथा जैसी कुर्ति चलती रहती है, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं मध्यकाल में खूब चलती हैं और प्राचीन काल में भी चलते, आधुनिक काल में भी जब अंग्रेज आएंगे तब तक चलती होता ही सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या थी भाई, अगर किसी का पति मर गया है तो उस लड़की को भी क्या सती होना पड़ता था, सती प्रथा थी। बलि प्रथा जिसमें महिलाओं को लड़कियों की बलि दी जाती थी। बाल विवाह, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, बचपन में ही शादी कर दी, बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं हमारे समाज में विद्यमान थे प्राचीन काल में, सारी जो प्रथाएं विद्यमान हैं सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, ये सारी कुप्रथाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, उनको चार दीवारी में दफना दिया गया एक प्रकार से, ये सारी जो कुप्रथाएं थी। जैसे स्त्रियां जौहर कर लेती थी, मैंने बताया ना, जैसे कोई मुस्लिम शासक अगर किसी हिंदू शासक को जीत लेता था ना तो मुस्लिम शासक क्या करता था, हिंदू शासक की जो हार गया उसकी महिलाओं के साथ जाकर के बलात्कार करना, उनकी महिलाओं को साथ शोषण करना, दमन करना। इस समय क्या कर, जो हिंदू महिलाएं थी अपनी जान या कह सकते अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए क्या कर लेती थी, खुद को आग में झोंक देती थी। झोंकने का मतलब यानी अपनी जान की आहुति देती थी, इसी को क्या बोला जाता, जौहर बोला जाता है, ठीक है। जौहर का मतलब होता कि जब महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान के लिए खुद को अग्नि में आहुति दी थी उसी को बोलते जौहर। जौहर जो प्रथा खास तौर से राजपूताना में राजस्थान के जो राजपूत थे यहाँ की महिलाओं को करना पड़ता था, क्योंकि जब राजपूत शासक हार जाता था, कोई भी राजपूत शासक अगर हार जाता था उसकी महिलाओं की जो स्थिति होती थी बहुत ख़राब हो जाती थी। अगर वो खुद को आग में आहुति नहीं देगी तो उसका जो जीवन है नर्क बन जाएगा, क्योंकि जिसने उन पर विजय प्राप्त की है वो क्या करेगा, उनके साथ शोषण करेगा, दमन करेगा, अत्याचार। ये जौहर प्रथा भी मध्यकाल में खूब प्रचलित रही, और कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, इस प्रकार की जो विधवाएं होती थी दोबारा शादी नहीं करती थी, विधवा की शादी नहीं होती थी, इस प्रकार की भी कुप्रथाएं समाज में महिलाओं को लेकर खूब विद्यमान है। अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं, आधुनिक काल में देखोगे तो हमारे समाज में सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, ये सारी प्रथाएं खूब चलती रहती। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो क्या करते हैं, उन्होंने देखोगे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सती प्रथा को कानून बना करके बंद कर दिया, सती प्रथा बंद हो जाती है। उसी प्रकार से जो विधवाएं होती हैं इनका विवाह होने लग जाता है। समाज में जब आधुनिक काल आता है, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, ये क्या करते हैं, समाज को जगाने का प्रयास करते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लेकर के हमारे समाज में बात होने लगती है। खासतौर से हिंदू समाज में देखोगे तो जब आधुनिक काल आता है यहाँ पर सती प्रथा जैसी घोर प्रथा का कानून बना करके उसको ख़त्म किया जाता है, विधवाओं के विवाह होने शुरू हो जाते हैं हमारे समाज में। तो देखोगे महिलाओं की स्थिति अगर आप देखोगे आधुनिक काल में धीरे धीरे बेहतर होने लग जाती है, थोड़ी अच्छी होने लगे सुधरती है। प्राचीन काल में सॉरी मध्यकाल में जो स्थिति बिल्कुल ख़राब है वो आधुनिक काल में आती है स्थितियाँ जो होती है धीरे धीरे रास्ते पर आने लग जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती है। क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में क्या होता है, महिलाओं को तो भाई सती प्रथा बंद हो गई, विधवाओं का पुनर्विवाह होने लग जाता है, या महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था थोड़ा डाउन होता है। लेकिन देखोगे जब हमारा देश आज़ाद होता है तब क्या होता है, महिलाओं को लेकर के तमाम तरह के कानून बनते हैं। जब खासतौर से हम यहाँ पर बात करेंगे जो नवजागरण काल में या स्त्रियों को लेकर के सुधार काल जो है, जब देश आ जाता है तो महिलाओं को लेकर के तमाम तरह के अधिकार बनते हैं। आज की हम बात करें तो महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार हैं, तमाम तरह के राइट्स हैं, सारे उनको मिले हैं। संविधान में जो पुरुष को अधिकार हैं वही महिला को अधिकार है, पुरुष को वोट डालने का तो महिला को वोट डालने का अधिकार। तो अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार मिले, लेकिन आज भी अगर देखोगे हमारे समाज में कहीं कहीं पर महिलाओं के साथ भेदभाव या जो शोषण होता था वह शोषण आज भी चल रहा है। समाज में कानून तो बन गए हैं लेकिन हर समाज में कहीं कहीं पर अभी भी जो महिलाओं के साथ जो शोषण, अत्याचार, जो दमन होता है वह हमें आज भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मोस्टली जो भारतीय संदर्भ है तो भारतीय संदर्भ में आपको यही सारी जो मैंने बातें बताई हैं, एक एक पॉइंट कर मैंने पॉइंट ही ज़्यादातर बताए हैं, इन्हीं को पॉइंट बनाकर के हेडिंग बनाकर के आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर हमारा क्या, चैप्टर नंबर 3 क्या, आदिवासी विमर्श, ठीक है। इसमें खास तौर से हम लोग सबसे पहले देखेंगे आदिवासी विमर्श क्या है,
आदिवासी साहित्य, ठीक है, आदिवासी चिंतन का नजरिया और आदिवासी विमर्श की में कौन कौन सी परंपरा। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जो विमर्श का मतलब होता कि जो आदिवासी समुदाय है उनमें कौन कौन सी समस्याएं हैं या उनकी कौन कौन सी समस्याओं को साहित्य में उठाया जा रहा है या उनकी कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं जिनकी समस्याओं का समाधान करने की साहित्य में बात की जा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग विमर्श बोलते हैं, या परंपरा कह सकते हो या प्रवृत्ति भी कह सकते हो। प्रवृत्ति परंपरा का मतलब, विमर्श का मतलब ये था कि जो साहित्य है उसमें आदिवासियों को लेकर के कौन कौन सी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। पर बता रखा है आदिवासी साहित्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं जो आदिवासी साहित्य होते हैं कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आदिवासियों के बारे में लिखा गया साहित्य, ऐसे साहित्य जिसमें आदिवासियों के बारे में लिखा जाता है उसको हम आदिवासी साहित्य कहते हैं। दूसरा कह सकते हैं आदिवासियों के द्वारा लिखा गया साहित्य, अगर कोई आदिवासी साहित्य लिखता है तो उसको भी क्या बोलेंगे, आदिवासी साहित्य बोला जाता है। तीसरा कह सकते हैं कि आदिवासी दर्शन का आधार बना करके, यानी आदिवासी जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी क्या क्या परंपरा है, उनके कौन कौन से रीति रिवाज हैं, उनमें किस प्रकार की समस्याएं हैं, अगर इस चीज़ों को लिखा जाता तो वो भी आदिवासी साहित्य ही माना जाते हैं। यानी आदिवासी साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का होता है। पहले प्रकार का आदिवासी साहित्य क्या होता है कि अगर किसी साहित्य में कह सकते हैं, अगर किसी कविता, कहानी, नाटक, किसी में भी अगर कह सकते हो निबंध में भी आदिवासियों के बारे में लिखा गया है तो वो भी आदिवासी साहित्य होगा। दूसरा, आदिवासियों के बारे में लिखा गया साहित्य, नहीं अगर कोई मान लीजिए आदिवासियों के द्वारा अगर कोई आदिवासी व्यक्ति कविता लिखता है, कहानी लिखता है, निबंध लिखता है, नाटक लिखता है, वह भी आदिवासी साहित्य माना जाएगा। यानी कोई आदिवासी अगर कुछ लिखेगा तो आदिवासी साहित्य होगा। तीसरा कह सकते हैं कि ऐसे साहित्य जिसमें आदिवासियों की परंपरा क्या है, रीति रिवाज क्या है, आदिवासी कैसे रहते हैं, उनमें पूजा पाठ कैसे होता है, उनमें लोक परंपराएं कैसे, उनके क्या क्या धर्म है, उनके क्या क्या ट्रेडिशन है, या इस चीज़ों को जब आधार बनाकर के साहित्य लिखा जाता है तो यह भी आदिवासी साहित्य की श्रेणी में ही आता है। यानी तीन प्रकार के क्या होते हैं, आदिवासी साहित्य होते हैं, ठीक है। 3.4 में क्या है, आदिवासी चिंतन का नजरिया। देखिएगा, आदिवासी साहित्य के नाम पर किए जा रहे शोधों से काफ़ी मात्रा में जिनका आदिवासी समाज से साहित्य से कोई संबंध नहीं बनता है, वस्तुतः कह सकते जैसे आदिवासी रचनाओं में जैसे कहानी है, उपन्यास है, प्रशंसा है, पाठ्यक्रम है, पुरस्कार पा रहे हैं, एक दो आदिवासी रचनाकारों को छोड़कर सैकड़ों की संख्या में सक्रिय आदिवासी कवि लेखक उपेक्षा के शिकार हैं। आदिवासी साहित्य की अवधारणा बुनियादी सवालों को उठाने की दृष्टिकोण में पिछले दो गोष्ठियों में बड़ी महत्वपूर्ण रही है। एक तो दिल्ली में हुई है आदिवासियों को लेकर के, देखो आदिवासी जो इलाके हैं खासतौर से हमारा जो है झारखंड है, रांची बहुत बड़ा आदिवासी इलाका है जहाँ पर आदिवासियों को लेकर के क्या सम्मेलन हुआ है, दूसरा दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, एक रांची में हुआ। देखो आदिवासी साहित्य का मतलब होता कि जो हमारा आदिवासी समाज है उसकी किस प्रकार की समस्या है, उनमें किस प्रकार के पूजा पाठ हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, परंपरा कैसे है, उनमें अलग अलग रीति रिवाज कैसे हैं, उनका पूजा पाठ कैसा है, इन चीज़ों को अगर आधार बना करके लिखा जाता है क्या है, आदिवासी साहित्य है। दूसरा कह सकते हैं कि आदिवासियों में किस प्रकार की समस्या है, क्योंकि जो आदिवासी समाज, आदिवासी हम किन्हें कहते हैं भाई, जो जंगलों में रहते हैं, जो कह सकते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब, हमने एससी की बात की ना, शेड्यूल्ड अनुसूचित जनजाति, क्या बोलोगे, अनुसूचित जनजाति में कौन आते हैं, आदिवासी आते हैं। आदिवासी हम क्यों नहीं सकते हैं, जो लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़े थे, यानी कह सकते जो लोग अपना जीवन यापन क्या जिसे जंगलों में बिताते थे, यानी जल जंगल जमीन उनके लिए क्या है, आधार है, किसके लिए, आदिवासियों के लिए। यानी उनका जो खान पान है, जो यानी रहते हैं जंगलों में रहते हैं, जंगलों की जो खान, जंगलों में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर खेती करते हैं, वहाँ का जो कंदमूल फल है उसे खा करके क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। आदिवासी आप समझे ना, जैसे भील है आदिवासी जनजाति है, गोंड है आदिवासी जनजाति है, मुर्मू आदिवासी जनजाति है। आदिवासी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, खास अगर आप देखोगे जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, खास हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे खास अगर आप देखोगे जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सारे जितने मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे आदिवासी इलाके हैं। यहाँ पर कई प्रकार की आदिवासी जातियाँ पाई जाती हैं और अलग अलग आदिवासी में देखोगे अलग अलग प्रकार के इनके रीति रिवाज हैं, अलग अलग प्रकार के इनका ट्रेडिशन है, अलग अलग प्रकार के इनके में धर्म है, अलग अलग प्रकार से देखोगे कई प्रकार के रीति रिवाज करते हैं, इनमें पूजा पाठ बिल्कुल अलग है, और आदिवासी समुदाय इनकी अलग अलग परंपराएँ हैं, इनके अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं, और खास तो जो आदिवासी समुदाय है यह जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए क्या है,
जल यानी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जमीन, जमीन यानी कह सकते हैं जो जंगल की जमीन है, जमीन और जंगल इनके लिए सबसे, यानी ये लोग जब भी जंगल कटते हैं उसका क्या करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा जीवन है, जो पूरी लाइफ है, कहाँ पर है, जंगलों पर आधारित है। ये लोग जंगलों में रहते हैं और एक कभी नहीं चाहते कि जंगल कटें, क्योंकि इनका पूरा जो आधार है कहाँ से जुड़ा, जंगलों से जुड़ा हुआ है। और हमारी जो सरकार है, सरकार का हमेशा प्रयास रहता कि जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं यानी जो आदिवासी लोग हैं, इनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसलिए जिस प्रकार से हमने आदिवासी, जिस प्रकार से हमने दलितों की बात की थी, देखो दलित जो है समाज की मुख्यधारा में था, समाज में था, लेकिन उसके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था, शोषण होता था, दमन होता था, उसके साथ छुआछूत होता था। लेकिन जो आदिवासी समुदाय है या समाज में नहीं रहता था, समाज की मुख्यधारा में लोग नहीं जुड़े थे, बल्कि लोग क्या समाज में नहीं, बल्कि समाज से कट करके क्या रहते थे, जंगलों में रहते थे, अपना वहाँ पर जीवन यापन करते थे, ठीक है। उनको मुख्यधारा में जोड़ने का काम कौन करता है, सरकार करती है। इसलिए देखो आदिवासियों को भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के अगर आप देखो इनको भी ST बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब को भी संविधान में क्या आरक्षण दिया गया है। किस लिए आरक्षण दिया, ताकि आदिवासियों को भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, ठीक है। इनको भी जिस प्रकार से SC शेड्यूल अनुसूचित जाति को, जो दलित जाति के लोग हैं उनको आरक्षण मिला, उसी प्रकार से जो आदिवासी हैं इनको भी आरक्षण दिया, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते हैं, समाज से कटा हुआ समाज है। इनमें भी कई प्रकार के शोषण है, दमन है, इन पर भी अत्याचार होता, क्योंकि इनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव रहा है, ये कभी मुख्यधारा से जुड़े हुए नहीं थे। इसलिए आदिवासी साहित्य में आदिवासी की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको उठाने की बात करते, क्योंकि ताकि लोग जाने आदिवासियों के बारे में, क्योंकि आदिवासियों के बारे में देखा होगा सरकार भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। तो आदिवासी साहित्य के जरिए कह सकते हैं कि जो आदिवासियों की जो परंपराएं हैं, जो लोक परंपराएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, उनको बताया जाता है। दूसरा कह सकते हैं कि आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि आप सबको पता कि जैसे जैसे विकास हो रहा, जैसे 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 डेवलपमेंट हो रहा, वैसे वैसे जंगल जो हैं काटे जा रहे हैं। तो आदिवासियों की सबसे बड़ी पीड़ा यही कि जंगल ना कटें, क्योंकि जंगल क्या है, उनके जीवन का आधार है जंगल। आदिवासी समाज यही चाहता कि जो जंगल है, जल जंगल जमीन को लिए उनकी क्या है, लड़ाई है, तो उनके लिए जंगल क्या है, जीवन का आधार है। तो सरकार भी चाहती कि जो आदिवासी समाज है वह समाज की मुख्यधारा से जुड़े, उसमें उनमें भी ज्ञान का प्रसार हो, वो भी पढ़ें लिखें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए कह सकते हैं कि आदिवासी साहित्य में खास तौर से आदिवासियों को जगाने की बात की जाती है कि वो लोग भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ें, क्योंकि वह पूरी तरह से कह सकते हैं समाज में जुड़ा हुआ समाज नहीं है, जो जंगलों में रहता है या जंगलों में कंदमूल फल है वहाँ खेती करके क्या करता, अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। जिनका आदिवासी इसी प्रकार की यहाँ पर बातें आदिवासियों को लेकर के। अगला देखो आदिवासी विमर्श क्या, आदिवासी विमर्श यही कि आदिवासियों, आदिवासी का मतलब आपको मैंने बता दिया कि जो लोग खासतौर से समाज की मुख्यधारा से कटे हुए हैं, जो लोग अपना जीवन यापन जंगलों में कर रहे हैं और वहीं पर रहते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो विमर्श क्या है, उनमें जो बहस हो रही, जो डिबेट हो रही, उसको हम क्या बोलते हैं, विमर्श बोला जाता है। आदिवासियों को लेकर के जो सारा विमर्श है, ठीक है, एक प्रकार से जो आदिवासी समाज है वो समाज की मुख्यधारा से जुड़े, उनमें भी भाई वो भी गणित सीखें, विज्ञान सीखें, कला सीखें, वो भी नौकरियों को प्राप्त करें, वो भी आगे बढ़ें, समाज की मुख्यधारा में आएं, वो भी देश के लिए योगदान करें, क्योंकि जंगलों में रह रहे हैं और उनका कोई भी विकास और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो सरकार हमेशा चाहती है कि आदिवासियों का विकास हो। दूसरा आदिवासी साहित्य में कह सकते कि आदिवासी की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, आदिवासी ये भी चाहता ना कि उसकी जो परंपरा है वो बनी रहे। इसलिए आप समझेगा कि हमारे देश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आदिवासियों के लिए रिजर्व किया गया है। आप अगर वहाँ पर घूमने फिरने जाएंगे तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे इसी प्रकार से मैं बोलूँ हमारे राज्य, जैसे अगर मैं बोलूँ असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, झारखंड है, मणिपुर है, सिक्किम है, इन राज्यों में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों को क्या रिजर्व किया गया है, ताकि आदिवासी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो क्योंकि उनमें अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज, अलग अलग ट्रेडिशन होता है उनमें, नाचने का, गाने का, आप सबने TV पर खूब देखा आदिवासी लोगों को, ठीक है। अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू, जिनको बनाया गया है, कि जिनकी खूब सारी बातें हो रही है ना द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो राष्ट्रपति। तो आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। आदिवासी साहित्य क्या, आदिवासी साहित्य यही है कि जो आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाया जा रहा है। दूसरा कह सकते हैं आदिवासियों की जो आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन यही है कि आदिवासी यही चाहते हैं कि जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, जंगल ना काटे जाएं, क्योंकि भैया जब जंगल कटेगा तो आदिवासियों का घर नहीं रहेगा,
उनकी क्या, उनकी परंपरा, उनकी रीति रिवाज खराब हो जाएगा, नहीं बचेगा। तो आदिवासी आंदोलन भी है कि आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, या उनकी जो परंपरा है भाई, उनमें अलग अलग प्रकार रीति रिवाज हैं, पूजा पद्धति है। देखो ना, जो आदिवासी होते हैं अलग अलग ट्रेडिशन, उनके कपड़े हैं, उन अलग अलग प्रकार से रीति रिवाज मनाते हैं, खान पान उनका बिल्कुल अलग है, पहनावा उनका बिल्कुल अलग है। तो चाहते कि उनकी उनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो बची रहे, ये नहीं कि धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। इसलिए सरकार भी उनको क्या क्या है, उनको भी आरक्षण दिया गया, आरक्षण इसलिए ताकि उनको भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर सलमा, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक क्या, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक कहानी दे रखी है, ठीक है। इस कहानी को हम, मैं आपको शॉर्ट में जरूर बता दूंगा इस कहानी के बारे में, और इस कहानी के बारे में खासतौर से हम लोग देखेंगे। तो क्या है 4.4, जो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, सलमा जो कहानी है इसको देखते हैं, ठीक है, ही है ना। सलमा, देखो सलमा जो कहानी है, एक गाँव की कहानी है, ठीक है, एक गाँव की कहानी है। गाँव में एक दलित लड़का है जिसका नाम क्या है, हरीश, ठीक है भाई, हरीश है। हरीश जो है शहर में रहता है, पढ़ा लिखा है, और इसने खूब सारी पढ़ाई कर रखी है। हरीश शहर में रहता था तो गांव के बारे में जानता नहीं। हरीश क्या है, एक दलित जाति का लड़का है, दलित शेड्यूल कास्ट से आता है, ठीक है, और पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ लिखा है, इसने खूब सारी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। हरीश का एक दोस्त है, उसका नाम है, आप देखोगे तो उसका नाम है कमल, कमल उपाध्याय। कमल क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है। कमल ने भी बहुत पढ़ाई कर रखी है, और जो कमल है वह छुआछूत जातिवाद को नहीं मानता है। आप देखोगे जो हरीश है एक दलित कास्ट से आता है, और जो कमल है वह ब्राह्मण है। और आपको पता होगा कि हमारे समाज में दलितों के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, दमन होता है। आप सबको ऐसे बताओ कि भाई जो ब्राह्मण है वो दलितों के यहाँ पर खाना तक, खाने की तो बहुत दूर की बात है, उनको छूना भी पाप माना जाता था, ऐसे इसी प्रकार का हमारा समाज था। लेकिन जो हरीश नाम का लड़का है, जब ये पढ़ाई करता है, खूब पढ़ता लिखता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने गाँव आता है। जब हरीश अपने गांव आता है तो उसकी शादी होती है, ठीक है। हरीश की क्या है भाई, शादी है, हरीश की शादी रही, कौन है, हरीश एक शेड्यूल कास्ट का लड़का है, दलित जाति का एक व्यक्ति है। कोई अतराज मत करना, जो अगर कोई आप सुन रहे हैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हरीश क्या है, दलित या शेड्यूल कास्ट का लड़का है, इसकी शादी होती है। जब इसकी शादी होती है तो जो इसका दोस्त है कमल, कमल इसकी शादी में आता है, खूब सारा सहयोग करता है, खूब सारी मदद करता है, क्योंकि जो कमल है, जो एक ब्राह्मण लड़का है, उसे वो छुआछूत जातिवाद इस प्रकार की कोई बात को नहीं मानता, क्योंकि पढ़ा लिखा है, और जो आदमी पढ़ लिख लेता है वो जाति और जाति से ऊपर उठ जाता है। तो कह सकते कि जो कमल है, कमल उपाध्याय इसका नाम है, वो किसी प्रकार का जातिवाद नहीं। लेकिन जब हरीश गाँव आता है और अपने गाँव में शादी करता है, हरीश के साथ गाँव वाले कितना शोषण करते, अत्याचार करते हैं भाई। हरीश की जो बारात है, हरीश की जो बारात जाती है ना, गांव में स्कूल है, गांव का जो हेडमास्टर है वो चाबी लेकर के चला जाता है। कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल है, हरीश की जो बारात है, वहां पर बारात रुकती है लेकिन उसके कमरे नहीं मिलता है, बल्कि लोग बाहर बरामदे में बैठे रहते हैं, शोषण होता, दमन होता। गाँव के लोग जो हैं हरीश को किसी प्रकार का ना तो सपोर्ट करते हैं, ना तो मदद करते हैं। यानी पूरा गाँव जो है, हरीश की जब शादी होती है तब उस हरीश की शादी में गांव के लोग कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि हरीश जिनसे भी मदद मांगने जाता है वो हरीश को मदद करने से मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। और हरीश की जब बारात जाती है, हरीश की जब हरीश की बारात गई थी, बारात तो चली गई, और जब सुबह होती है तो इसका जो दोस्त है, हरीश का दोस्त क्या है, कमल, कमल सुबह उठता है, हरीश भी उठता है, ये लोग क्या एक चाय की दुकान पर जाते हैं। क्या जाते हैं, किसकी दुकान पर जाते हैं, चाय की दुकान पर जाते हैं, और बोलते हैं हमें चाय दे दो। जो चाय की दुकान वाला चाय तो बनाता है, लेकिन जब चाय की दुकान वालों को पता चलता है कि दलित जाति के लड़के हैं, तो उनको चाय देने से मना कर देता है, और कहता है कि तुम लोग दलित जाति के हो इसलिए मैं आपको चाय नहीं पिला सकता हूँ, आपका जहाँ मन करे वहाँ पर जाकर के तुम चाय पी लो। देखो हरीश को ये पता था, हरीश ने सिर्फ किताब में पढ़ रखा था कि गाँव में शोषण होता, दमन होता, अत्याचार होता। हरीश इस बात को कहता है, मैं तो समझता ही नहीं था कि गांव में कितना अत्याचार, शोषण, दमन होता है, तो इसे मैंने सुन रखा था, लेकिन जब मैं गांव में आया तब मैंने देखा कि दलितों के साथ कैसा अत्याचार होता है, शोषण होता है, दमन होता है, ये मैंने साक्षात देख लिया। क्योंकि गांव में जब उसकी शादी होती है तो गांव का कोई व्यक्ति उसका सपोर्ट नहीं करता, उसकी मदद नहीं करता है। गाँव में जिस जिससे मदद मांगता है, हर व्यक्ति सिर्फ जाति को जान करके कि वो दलित जाति का व्यक्ति है, उसकी कोई मदद नहीं करता है। और जो
कमल नाम उपाध्याय नाम का जो लड़का है, ये इसकी मदद जरूर करता है, सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन लोग इसका भी विरोध करते हैं कि तुम क्यों मदद कर रहे हो उस दलित जाति की लड़की की। तो कह सकते हो कि जो हरीश और कमल की कहानी हमें बताती है कि हमारा समाज चाहे जितना पढ़ लिखा है, लेकिन आज भी हमारे समाज में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा, दमन हो रहा है। ये कहानी हमें यही बता रही है। और हरीश ना जैसे लड़के शहर में जब जब करके पढ़ाई करते हैं तो जाति से ऊपर उठ जाते हैं। और कह सकते हैं कमल उपाध्याय जो ब्राह्मण परिवार का ब्राह्मण लड़का है, क्योंकि ब्राह्मणों के घरों में तो भाई छुआछूत बहुत चलती है, लेकिन उस जो कमल उपाध्याय है वो पढ़ा है, लिखा है, पढ़ाई लिखाई के माँ से छुआछूत को नहीं मानता है। तो ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे और अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज रहेगा, तब उसमें जातिवाद जो है ख़त्म किया जा सकता है। हरीश को यही लगता था कि गांव में किसी प्रकार से उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जब हरीश गांव आता है और शादी करता है तो गांव के लोग उसके किस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं। आप सबने तो कहानी सुनोगे ना कि भाई जो दलित जाति के लोग होते थे, इनकी जब घुड़चढ़ी होती, जब घोड़े पर दूल्हा जाता है, तो कई बार इस चीज़ों का भारी विरोध हुआ है, ब्राह्मण या गाँव के लोगों ने किया है। तो कह सकते हैं कि दलितों के साथ आज जो अत्याचार, जो शोषण दमन है वो होता रहा। और ये आपकी जो सलमा नाम की जो कहानी है, यही बताती है कि आज भी गाँव में शोषण और दमन, दलितों का भेदभाव हो रहा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस कहानी के माध्यम से यही हमें बता रहे हैं कि जो दलित जाति के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके साथ क्या शोषण दमन जो अत्याचार है आज भी होता चला आ रहा है। हरीश पढ़ लिख गया है तो शोषण दमन को नहीं मानता, उसको उकसो नहीं लगता कि गाँव के लोग शोषण करते दमन करते, उसको नहीं पता था। लेकिन जब गाँव आता है और जब उसकी शादी होती है, कोई मदद नहीं करता है। स्कूल की चाबी, स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बारात रुकने के लिए उसको जो हेडमास्टर है दूसरे गांव भाग जाता, चाबी नहीं देता है। उसकी जो पूरी बारात है बरामदे में रहती है। जिस दुकान पर चाय पीने के लिए जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि दलित जाति के लोग हैं, चाय देने से मना कर दिया जाता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारे समाज में दलितों के साथ किस प्रकार से अत्याचार होता था, किस प्रकार से शोषण होता था, किस प्रकार से दमन होता था, यही बातें कह सकते हैं कि ये सलमा नाम की कहानी में वो बता रहे हैं। ठीक है, हेलो। जैसे यहाँ पर देखोगे गांव में दलितों की स्थिति क्या है, तो भाई गांव में दलितों की स्थिति क्या है, उनके साथ शोषण हो रहा, दमन और अत्याचार हो रहा। गांव में जिस रूढ़िवादी परंपरा है, ब्राह्मण क्षत्रिय या जो ब्राह्मण लोग हैं, किस प्रकार से हरीश की शादी में कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं करते हैं, किसी प्रकार का सपोर्ट और मदद नहीं करते हैं। तो यही बातें आज हमारे समाज में जो चल रही हैं, आप इसको लिख सकते हैं आराम से। हमारे समाज में इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, छुआछूत है। आपको बताना हमारे समाज में क्या वर्ण व्यवस्था ना, जैसे मैंने बताया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र जो इनको निम्न जाति का माना जाता है, इनके साथ शोषण दमन अत्याचार होता, छुआछूत होता। उसी प्रकार से हमारे समाज में क्या जातिवाद है, क्या जातिवाद है भाई, अलग 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 प्रकार की जातियां हैं। ठीक है, जैसे ब्राह्मणों में कई प्रकार के ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय में कई प्रकार के क्षत्रिय हैं, वैश्य में कई प्रकार के वैश्य जाति के लोग हैं, और शूद्रों में देखोगे उसमें भी कई प्रकार की जाति, अलग अलग जातियाँ बन गई है। तो जाति के आधार पर हमारे समाज में क्या जाति के नाम पर भी क्या जो भेदभाव हो रहा है, उसको छुआछूत। आप सबको पता कि जो हमारे समाज में जो दलित जाति के लोग हैं या जो SC जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, इनके साथ क्या छुआछूत होता है, अस्पृश्यता जो होती है। अगर किसी ब्राह्मण को अगर कोई दलित लड़का छू लेता था तो उसको क्या बड़ा अपमानजनक माना जाता, उसको गंगा जल उंगल जल से छिड़का जाता था, भाई छू लिया तो खराब हो गया, टचिंग भी अपमान माना जाता था। गाँव में इस प्रकार की चीज़ें होती थी। जो दलित जाति के लोग होते हैं ना, अगर मान ली अगर कोई जैसे मान ली कोई दलित है, अगर मान लो अपनी चारपाई पे बैठा है, अगर कोई ब्राह्मण सामने से जाता था तो बेचारा खड़ा हो जाता था। ब्राह्मणों के सामने ये लोग बैठ नहीं सकते थे। इस प्रकार की समाज में स्थिति है। और छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, इस प्रकार की चीज़ें इस प्रकार से तो आप सबको पता होगा। तो कहानी में आपको यही सारा लिख देना अच्छे से। ठीक है, आ गया कथ्य में क्या लिखना, दलितों की आर्थिक स्थिति कैसे है। भाई दलितों की अगर आर्थिक स्थिति की बात हो तो दलित जाति के जो लोग होते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, इनके खेतों में क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनके खेतों में जो काम करते हैं वही जो मेहनताना मिलता है या जो मजदूरी मिलते हैं उसी से अपने क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। कई बार इनको जो ब्राह्मण क्षत्रिय लोग होते हैं मेहनताना भी नहीं देते थे, पैसे भी नहीं देते थे, फ्री में काम करवा लेते थे, या इनके साथ गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे। यानी अगर मैं बात करूँ दलितों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ख़राब है, क्योंकि पहले दलित जाति लोग सामान्यतः क्या करते थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं यानी जिनके पास भूमि है, जमीन है, इनके जमीन पर भूमि पर क्या करते थे, इनके खेतों में काम करते थे, इनके मजदूरी करते थे। तो जो मजदूरी मिलती थी, जो
थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से क्या करते अपना जीवन यापन करते थे। तो दलितों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है और सदियों से चली आ रही है। आज भी देखोगे खासतौर से आप देखोगे बाहर सफाई उफाई कर्मी में ये काफ़ी लोग लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो स्थिति है दलितों की सुधर रही है। उसी प्रकार से आधुनिक शिक्षा, अगर मैं बात करूँ जब से आधुनिक शिक्षा आई तब से भाई बहुत सारी स्थिति सुधर गई है। खासतौर से पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिल गया है, जिस प्रकार से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का योगदान की बात करें, जब उन्होंने आज देखोगे दलित जाति के लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़े हैं। इस शिक्षा का संचार होने से कह सकते हैं कि दलितों के साथ जो अत्याचार होता था, जो शोषण होता था, जो दमन होता था, धीरे धीरे क्या हो गया है वह कम हो गया है होना, जो पहले बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, दलितों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति और परिवेश क्या है? भाई उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो हरीश के से आप समझते हैं, हरीश दलित है, उसकी शादी गांव में हो रही है, उसकी शादी में उसका मित्र कमल शामिल है, और दलित की बारातियों के लिए पानी बिजली जगह न मिलना गांव की स्थिति सामाजिक स्थिति बताता है। नहीं, हरीश की जब शादी होती है उसकी जो बारात है किसी प्रकार का उसको कोई सपोर्ट नहीं है, और एक प्रकार से हमारे गाँव में दलितों की कैसी सामाजिक स्थिति है इसका पता चलता है। कोई प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं करता है, एक प्रकार से हरीश को छुआछूत के अभाव से गुजरना पड़ता है, उसका वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी सलमा से हम कह सकते हैं कि जो समाज में दलितों की कैसी स्थितियां हैं इससे हमें पता चलता है। अरे भाई चाय की दुकान पर जाता है, चाय वाला चाय देने से मना कर देता है जब उसको पता चलता है कि ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, जब उसको पता चलता कि ये दलित जाति है तो चाहता कि तुमको चाय नहीं मिलेगी, तुम कहीं और जा करके चाय पी लो, जो दुकानदार वो मना कर देता है। इससे पता चला कि दलितों की जो सामाजिक स्थिति है कैसी बनी हुई हमारे देश में, इसे भी आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। और इसमें कहानी की बात करूँ, अगर मैं सलमा की जो संरचनात्मक विशेषता क्या है, इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा अगर देखो तो भाषा खास तौर से सरल सहज है, और हिंदी में खड़ी बोली में इसमें ज़्यादातर लिखा गया है। इसमें दलितों की जीवन कैसा है, उनकी जो एक प्रकार से उनकी जो स्थिति है उसको दिखाया गया है। अगर मैं भाषा की बात करूँ तो खास तौर से इसमें बोलचाल की भाषा और ग्रामीण भाषा का खूब सारा प्रयोग किया गया। इसके लिए जो लैंग्वेज है गांव की भाषा ग्रामीण भाषा है, अगर लैंग्वेज की बात करूँ। ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि कई जगह पर किस प्रकार से देसी शब्दों का खूब सारा प्रयोग है, देशज जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया गया है। अगर हम चरित्र योजना की बात करें चरित्र निर्माण में तो इसमें खास तौर से आप देखोगे जो इसमें हरीश कौशल है उन दोनों के चरित्र को आप बता सकते हैं, किसका हरीश का करैक्टर कैसा है और कमल का करैक्टर कैसा है। हरीश की बात करें तो भाई हरीश पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन जब वो गांव में आता उसको पता चला कि इस प्रकार से छुआछूत है। कमल के करैक्टर को आप लिख सकते हैं, कमल जो है ब्राह्मण जाति का है, पढ़ा लिखा है, और पढ़ाई लिखने के बाद वो छुआछूत को नहीं मानता, वो भेदभाव नहीं मानता है, ब्राह्मण होते भी वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानता है, और हरीश को हमेशा मदद करता, उसकी शादी में भी जाता है, ठीक, उसकी मदद भी करता है। पूरे गांव में कह सकते हैं जो कमल है वो पढ़ा लिखा है, और पढ़ाई लिखाई से क्या हो गया है उसका जो विकास होगा डेवलपमेंट, अब वो छुआछूत में किसी प्रकार से उसका विश्वास नहीं है, ठीक है, और हरीश की वो क्या करता है मदद करता है, और बाकी कोई मदद नहीं करता पूरे गांव में, हरीश कोई मदद ही नहीं करता उसकी शादी में, बल्कि वही सिर्फ कमल करता, कमल का है उसका दोस्त है। ठीक है, इनका करेक्टर कैसा आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं शैली की बात करूँ तो इसकी जो शैली है व्यंगात्मक शैली है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हमारे समाज पर व्यंग कर रहे हैं किस प्रकार से हमारे समाज में दलितों के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता, दमन होता, किसकी शैली व्यंगात्मक शैली, और प्रश्नवाचक प्रश्न भी पूछ ले कि हमारे समाज में क्यों शोषण दमन हो रहा जाति के नाम पर, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भाई गलत है। जिस प्रकार से हरीश की शादी होती गाँव वाले बिल्कुल भी मदद नहीं करते, सपोर्ट ही नहीं करते, अरे भाई पानी बिजली किसी प्रकार की सुविधाएं उसको नहीं दी जाती है, क्यों नहीं दी जाती है, सिर्फ उसकी जाति के नाम पर, क्योंकि वो दलित जाति का लड़का है और शादी कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, पूरा गांव मदद नहीं करता उसकी। ठीक है, इसकी शैली को लिख देना अच्छे से इस चैप्टर में, इसकी शैली कैसे है, बार बार उसे हमेशा जाति पूछी जाती है कि चमारों को नहीं मिलती किसी प्रकार का, तो बोलता तुम्हारी जाति क्या है, तो कमल ने साहस से पूछा मेरी जाति का क्या ले देना, अबे चूहा चमार की भी जाति पूछने लगे हैं, कलयुग आ गया है, बूढ़ा चाय वाला बोला, तो कहते हैं जब चाय वाले से बोलते हैं ना, जब ये चाय मांगने जाते हैं वहाँ पर पूछते कि चाय दे दो, तो चाय वाला जो है बूढ़ा जो व्यक्ति जो चाय बना रहा था वो चाय देने से मना कर देता, कहता कि मैं चमारों को और दलित जाति के लोग उनको चाय नहीं देता हूँ, तुम कहीं और जा करके चाय पी लो। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से शोषण और दमन अत्याचार होता था।
ठीक है, उनको चाय तक नहीं मिलती थी, यानी किसी दुकान पर जाकर के बेचारे पैसे देकर के चाय भी नहीं पी जा सकते थे। क्यों नहीं पी सकते थे? क्योंकि वह दलित जाति के थे, इसलिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, धूनी तपे तीर, इसकी अंतर्वस्तु और मूल्यांकन कीजिए। देखो धूनी तपे तीर जो है ये एक उपन्यास है, ठीक है। इस उपन्यास में खास तौर से जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय में किस प्रकार की समस्या है, उनकी किस प्रकार की समस्या, उसकी इसमें बात की गई है। खास तौर से यहाँ पर जो 5.4 है इसको मैं बता दूँ, आदिवासियों का किस प्रकार से संघर्ष है। एक बता दूँ, जो आदिवासी समुदाय है वो साम्राज्यवाद और देशी शासन से उत्पन्न समस्या थी। एक चीज़ बता दूँ आप सबको, जो आदिवासी समुदाय है वो जंगलों में रहता था, इसको बता रहा हूँ। आदिवासी समुदाय कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, ठीक है भाई। जो आदिवासी समुदाय जब जंगलों में रहता था, जब यहाँ पर अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, क्योंकि क्या बहुत सारी उनको लकड़ियाँ चाहिए थी। कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे, लकड़ी चाहिए थी, तमाम तरह के काम। जंगलों की जब कटाई की जाती है तो आदिवासियों का जो संघर्ष है वो अंग्रेजों के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में बड़ी संख्या में जंगलों को काटते थे, पेड़ों को काटते थे, और आदिवासियों के लिए क्या है, जो जंगल हैं, जो पेड़ हैं, क्या हैं, उनके लिए निवास स्थान है। और एक प्रकार से क्या होता कि जो आदिवासी हैं वो भी अंग्रेज खिलाफ़ हो जाते हैं और आंदोलन करते हैं। क्यों आंदोलन करते हैं? क्योंकि जो अंग्रेज हैं वह बड़ी संख्या में भारत में पेड़ों की कटाई करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, और जब पेड़ों की जंगलों की कटाई होगी तो आदिवासियों के लिए क्या समस्या बन जाती है, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है, जो पूरी लाइफ है, कहाँ जीवित व्यतीत करते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद को लेकर के वो एक प्रकार की विरोध करते हैं कि जो अंग्रेज यहाँ पर आते जब जंगलों को काटते हैं तब अंग्रेजों के खिलाफ अगर एक आदिवासी जो हैं ये भी आंदोलन कूद पड़ते हैं। क्यों कूद पड़ते हैं? क्योंकि अंग्रेज जो है जंगलों को काटता था, जंगलों का दोहन करता था, पेड़ों को काटता था, इससे क्या होता था, आदिवासियों को जो रहने का स्थान है वो नष्ट हो जाता था। इसलिए आदिवासी भी क्या है, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। क्या है इनका, इन्होंने संघर्ष किया अंग्रेजों को लेकर के। दूसरा जो संघर्ष है, हमारे यहाँ पर जो देसी शासन होता था, जो देसी रियासतें होती थी, जो देसी राजे रजवाड़े होते थे, यह भी आदिवासियों को किसी प्रकार की मान्यता नहीं देते थे। दूसरा, जो देसी राजा रजवाड़े होते थे यह भी जंगलों को काटते थे, जंगलों का शोषण करते थे, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे इन्होंने क्या जंगलों को अपने राज्य के अंडर में ले लिया था, वहाँ से लकड़ी प्राप्त करना, वहाँ से जड़ी बूटी प्राप्त करना, व्यापार करते थे। तो आदिवासी जो समुदाय है वो खास तौर से जो हमारी देसी रियासतें होती थी, जब वो जंगलों की कटाई करते थे, जब पेड़ों की कटाई करते थे, तो जो देसी रियासतें होती थी, जो रजवाड़े होते थे, उनके खिलाफ भी आदिवासियों ने क्या किया, संघर्ष किया है। और जो अंग्रेज हैं, जब अंग्रेज आते हैं तो भी क्या करते हैं, एक प्रकार से भाई जो अंग्रेज है वो क्या करता है, हमारे देश में पेड़ों को काटता है, जंगलों को काटता है। तो आदिवासी जो है वह अंग्रेजों के खिलाफ भी क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, ठीक है। अगला, आदिवासियों में और क्या संघर्ष किया था, महारानी शोषण की समस्याएं। महारानी यानी जब देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब वो जंगलों को काटती थी, लेकिन जब भारत पर इंग्लैंड का शासन आ जाता है, जब महारानी का शासन आ जाता है, खासतौर से इंग्लैंड की महारानी जब ब्रिटेन शासन करने जाता है, उस समय भी आदिवासियों की कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि उस समय भी जो जंगल हैं उनको तो खासतौर से सरकार अपने अंडर में ले लेती है। जब हमारे देश में जब ब्रिटेन का शासन आ जाता है तो जंगलों को कर दिया जाता, आरक्षित कर दिया था, उसमें आदिवासियों को जाने से रोक दिया जाता है, जंगलों को आरक्षित कर दिया, जंगल में कोई जाएगा नहीं, तो आदिवासियों के लिए एक बड़ी समस्या थी। तब जो इंग्लैंड की महारानी है या कैसे जो ब्रिटेन का शासन है उसके खिलाफ भी आदिवासी क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। देखो पहले तो अंग्रेज इस देश में जंगलों को काटते थे, तब आदिवासियों ने क्या किया, आंदोलन किया, लेकिन जब जंगलों को लेकर के, पेड़ों को लेकर के, जब ब्रिटेन जो ब्रिटिश सरकार होती क्या करती है, एक प्रकार से नियम लेकर के आती है, कानून लेकर के, भाई अब जंगलों को काटा नहीं जाएगा और जंगलों को रिजर्व कर दिया, आरक्षित क्षेत्र बना दिया जाता था। भाई जब जंगलों को आप रिजर्व कर दोगे, आरक्षित कर दोगे, तो आदिवासी कहाँ रहेंगे? तब कह सकते हैं कि वह ब्रिटेन के शासन के खिलाफ भी क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। आंदोलन क्यों रहा? क्योंकि जंगलों को एक प्रकार से आरक्षित कर दिया, किसने कर दिया, ब्रिटेन ने कर दिया, जो हमारे देश में अंग्रेजी सरकार रहती है, तो उस सरकार के खिलाफ भी वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। जमीन की समस्या, आदिवासियों की जो बड़ी समस्या जमीन, जब जमीन पर सरकार कंट्रोल करती है या आदिवासियों से जमीन छीनी जाती है, तो आदिवासियों की क्या है, जमीन सबसे बड़ी समस्या। देखो जब जंगलों को काट करके कृषि का विस्तार किया जाता है, जब जंगलों को काट करते कंपनी बनती है, फैक्ट्री बनती है, इंडस्ट्री बनती है, सड़क बनती है, तो जंगल कटते हैं, और आदिवासी की सबसे बड़ी समस्या क्या, जंगलों को ना काटा जाए, क्योंकि जमीन जल जंगल जमीन की क्या लड़ाई है। आदिवासी समुदाय यही चाहता है कि जो जल है, पानी उनके लिए बहुत जरूरी है, दूसरा जमीन जिस पर वो रहते हैं और जंगल, इन तीनों के लिए क्या है, उन्होंने संघर्ष किया है। पूरे
जब से आदिवासी समुदाय रहा तब से तीन तीन चीज़ों को लेकर के लड़ाई कर रहा है। किसको लेकर के? जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन की क्या है लड़ाई है आदिवासी को लेकर के। तीसरी जो उनकी समस्या क्या है, संघर्ष जो उन्होंने किया जमीन को लेकर उन्होंने संघर्ष किया। भाई जब जंगल है जंगल को काटा जाता था जो जमीन होती थी सरकार अपने अंडर में ले सकती थी, वहाँ पर कंपनी बनाना, वहाँ पर फैक्ट्री लगा देना, वहाँ पर रेलवे लाइन का विस्तार करना, वहाँ पर सड़क बना था। अगर भाई जब रेलवे लाइन लगेगी जब सड़क बनेगी तो क्या होगा, जंगल को काटा जाएगा। तो आदिवासियों ने क्या संघर्ष किया है। क्यों संघर्ष किया है? क्योंकि उनकी जो जमीनें हैं वो जा रही हैं, उनका जो निवास स्थान है जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर वो खेती करते हैं, जिन जंगलों में घूम घूम करके कंदमूल खाते हैं, उन जंगलों को जाने से उनकी ज़मीन जाने से उनका क्या उनका आवास छिन रहा था, इसलिए उन्होंने क्या आंदोलन किया। अगला नशाखोरी की समस्या। देखो आदिवासी जो समुदाय है उसमें नशाखोरी यानी जो व्यसन है, स्मोकिंग है, जो दारू शराब है, इस प्रकार की समस्याएँ भी आदिवासी में खूब रही। तो आदिवासी तमाम तरह के इसका भी आंदोलन चलाते कि आदिवासी जो समुदाय उसमें जो नशाखोरी है यानी जो शराब की लत है या जो बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, इन तमाम चीज़ें समस्याओं को लेकर भी तमाम तरह के आंदोलन चले हैं ताकि जो आदिवासी समुदाय है वो जो नशाखोरी इससे दूर रहें, नहीं एक प्रकार से वह नशा ना करें, जो जो तमाम तरह के नशे की समस्या है उसको दूर करने की बात की जाती है। तो ठीक जो नशाखोरी की समस्या है जो आपको पता है जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, गांजा है, शराब है, इन चीज़ों से आदिवासी जो हमेशा दूर रहें। ये भी आदिवासी ने क्या संघर्ष किया कि जो नशा है नशे से दूर रहना क्या है उनकी एक बड़ी समस्या रही। भाई ये चार चीज़ें हैं आपको हेडिंग बना करके लिख सकते हैं। अगला देखोगे आदिवासी की सांस्कृतिक समस्या क्या है। आदिवासी की जो सांस्कृतिक समस्या कि आदिवासी हमेशा अपनी मुख्य धारा से जुड़ा रहना चाहता है। आदिवासी समुदाय यही चाहता था कि उनकी जो उनके जो धर्म है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो रीति रिवाज है, उनकी जो पूजा पद्धति है, ये हमेशा बनी रहे, इसके किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। उनका रीति रिवाज अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका शादी की परंपरा अलग है। तो जो उनकी सांस्कृतिक परंपरा है उनका संरक्षण किया जाए, उनका बचाव किया जाए, ठीक है, ये उनकी समस्या है। अगला धार्मिक चेतना है। आदिवासी जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उनके अलग अलग देवी देवता हैं, उनकी जो अलग अलग देवी देवता हैं उनका भी क्या किया जाए, उनका भी संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आदिवासियों की सांस्कृतिक जीवन है, आदिवासियों की जो संस्कृति है, सभ्यता कल्चर है, बिल्कुल अलग है। हम लोगों की जो कल्चर है आदिवासी कल्चर बिल्कुल है। तो भाई जो आदिवासियों की क्या है, आदिवासी यही चाहते हैं कि उनकी जो कल्चर है, खान पान है, जो पहनावा, जो रीति रिवाज है वो उनका बना रहे, इसलिए सरकार जो है कह सकते हैं आपको पता होगा कि सरकार ने कई सारे क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया है ताकि वहाँ पर लोग ना जाएं। आदिवासियों को जो खान पान है, पहनावा है, रीति रिवाज है, पूजा पद्धति है, ठीक है, अलग अलग उनमें विवाह पद्धति है, उनके जो पहनावा है, अलग अलग प्रकार के, इनकी जो सभ्यता संस्कृति है इसको बचाना है। आदिवासी की सबसे बड़ी सांस्कृतिक समस्या है कि उनका जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है वो बची रहे, ठीक है, इसलिए आदिवासी हमेशा इस चीज़ को लेकर के क्या सतर्क रहते हैं और हमेशा सरकार से मांग करते हैं कि उनके जो क्षेत्र हैं, उनके जो इलाके हैं उनको आरक्षित कर दिया जाए ताकि वहाँ पर कोई दूसरे लोग जा करके ना बसें, क्योंकि अगर कोई दूसरा लोग वहाँ पर जाएगा तो उनकी जो सभ्यता संस्कृति है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी सभ्यता संस्कृति का बचाव किया जाए, उनका खान पान पहनावा बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है ना, अलग है ना, तो उनका बचाव हो, ये बातें हैं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, ठीक है। आदिवासियों की समस्या क्या है, तो समस्या वही है जो हमने यहाँ पर बताई है। देखो अगर आपसे एग्जाम में पूछे आदिवासियों की समस्या बताओ तो समस्या क्या है, जिसे जमीन की समस्या है, जल जंगल जमीन को लेकर के उनकी समस्या है। वो कहते हैं जंगल ना कटें, जंगल ना कटें उनका, क्योंकि निवास स्थान उनका घर भाई जंगल है। दूसरा जंगलों को उनके लिए छोड़ दिया जाए, जंगलों में रहें, ठीक है, जंगल की कटाई ना की जाए। इसके आदिवासी का अन्य समस्या क्या है, नशाखोरी की समस्या है कि आदिवासी में बहुत ज़्यादा जो नशा करें, नशा कम किया जाए। दूसरा आदिवासी जो अपनी जो उनकी सभ्यता है, जो संस्कृति है, ये बची रहे, इसको लेकर के इनकी समस्या है। भाई उनकी सभ्यता संस्कृति जो उनके रीति रिवाज जो पूजा पद्धति है यह भी बचा रहे, इसको लेकर भी उनकी क्या है एक लड़ाई हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, देखो धूनी तपे तीर में अगर आदिवासी को लेकर के आता है या धूनी तपे तीर पूछा जाता है तो जो मैंने बताया आदिवासियों को लेकर के यही सारी बातें आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। धूनी तपे तीर क्या है, एक उपन्यास है, और धूनी तपे तीर में देखोगे तो आदिवासियों के लेकर के बातें की गई हैं, उनकी सांस्कृतिक समस्या क्या है और उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया है, किन किन चीज़ों लेकर के। धूनी तपे तीर में खास तौर से आदिवासियों को लेकर के ही सारी बातें की गई हैं और सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो चाहे धूनी तपे तीर लिखकर के आए या आदिवासियों की सांस्कृतिक समस्या या आदिवासियों का संघर्ष आए तो आपको जो मैंने बताया है यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 6,
क्या है? व्यक्तित्व की भूख, ठीक है। और व्यक्तित्व व्यक्तित्व की भूख क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है या उपन्यास कह लीजिए, ये उपन्यास है, ठीक है। कहानी नहीं भाई, ये उपन्यास है टाइप का ना। व्यक्तित्व की भूख है ना, क्या है? एक उपन्यास है। क्या इस क्लियर रखना, उपन्यास है। इस उपन्यास के बारे में बता दो, व्यक्तित्व की भूख। देखो यह महिला उपन्यास है, खासतौर तो महिलाओं को लेकर के लिखा। इसकी जो नायिका है, क्या नाम है उसका? ईला। क्या नाम भैया? ईला। याद रखना पहली करेक्टर हमारी क्या है, पहले लिख लो ईला। ईला नायिका है। देखो ईला जो है वो, उसने अभी उसकी जो उम्र है 18-19 साल की लड़की है ईला नाम की, ठीक है। और ईला ने क्या किया भाई, दसवीं की परीक्षा पास कर ली है। कौन सी परीक्षा पास कर ली है? दसवीं की परीक्षा पास कर ली। और कैसे? फर्स्ट डिवीजन से उसने टॉप कर लिया है। जब ईला नहा करके बाहर निकलती है तो उसकी मम्मी पापा बताते हैं कि ईला तुमने जो दसवीं की परीक्षा तुमने टॉप कर लिया। ईला बड़ी खुश होती है, चहचहाती है, बहुत खुश होती है, बहुत मगन होती है। और फिर उसकी मम्मी कहती है उसके पिताजी से कि ईला की तो अब शादी भी कर देनी चाहिए। जब ईला को पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है तो ईला निराश हो जाती। निराश क्यों जाती? देखो उसको पता चला कि उसने दसवीं की परीक्षा पास कर ली है और फर्स्ट डिवीजन से टॉप किया, लेकिन जब उसके माँ बाप उसके शादी की बात करते हैं तब ईला थोड़ी सी क्या दुखी हो जाती है, क्योंकि विवाह को लेकर के वो थोड़ा सा सिर उठती है कि भाई उसकी शादी की बात होने लग जाती है कि शादी कब होगी। और ईला क्या करती है कि थोड़ा सा जब निराश हो जाती है, जब माँ बाप बोलते हैं कि उसकी, ईला की माँ कहती है कि ईला की शादी करनी है, तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ हाँ इसके लिए लड़का भी तो देखना है। जब ईला इस बात को सुनती है कि उसके घर में उसकी शादी की चर्चा हो रही है तो ईला थोड़ी सी उदास हो जाती है। और ईला क्या करती है, वहीं पर एक उपन्यास पढ़ा था, वहीं पर एक किताब पढ़ी थी, उस किताब को लेती है और अपने छत पर चली जाती है। कहाँ पर चली गई? ईला छत पर चली गई। और ईला जब छत पर जाती है तो एक उपन्यास पढ़े, और ईला के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम क्या है? संगीत। दूसरा हमारा कैरेक्टर कौन है? वही संगीत। ईला की पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम संगीत है। संगीत क्या, संगीत ने भी दसवीं की परीक्षा पास कर ली। अब वह कॉलेज में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? अब वह कॉलेज में पढ़ता है। ईला से कह सकती 2-4 साल बड़ा लड़का है, ठीक है, संगीत है। ईला जब छत पर चली गई, उपन्यास पढ़ रही थी, तो ईला को मन में है कि मेरे पिताजी शादी करवा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, और उसके मन में तमाम तरह की बातें, शादी में हमको नहीं करनी है, इसी प्रकार की बातें आती हैं। ईला एक प्रकार से कह सकते कि बड़ी बेचैन है और छत पर बैठ करके उपन्यास पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है और शादी के बारे में सोच रही है। एक तो दसवीं की परीक्षा पास कर ली होती तो उसकी तो खुशी है, लेकिन शादी की बात होगी तो बड़ी दुखी होगी बेचारी। तो छत पर बैठी है और संगीत आता है। संगीत जब आता है, उस पड़ोस का जो लड़का संगीत है, संगीत उसके पास आता है और देखता कि ईला बड़ी मग्न है, पता नहीं किस सोच में पड़ी है। संगीत जो है ना, एक फूल उठाता है, फूल गुलाब का किसी चीज़ का फूल था, वो ईला को मारता है। जब संगीत ईला को फूल मारता है तब ईला का ध्यान संगीत पर जाता है और संगीत उसको बोलता कि तुमने दसवीं की परीक्षा पास कर ली है, इस प्रकार से उसकी बधाई देता है। और फिर ईला संगीत से खूब सारी बातें करती है। ईला क्या करती है? संगीत से खूब सारी बातें करती है। और कह सकती है जो ईला है वह संगीत के प्रेम में पड़ जाती है। किसने? संगीत प्रेम में पड़ गई। जो ईला थी उसका जो पड़ोसी था, जो संगीत नाम का लड़का है जो कॉलेज में पढ़ता है, उसके प्रेम में पड़ जाती है, उससे प्रेम करने लग जाती है। लेकिन उसी समय कह सकते कि घर में ईला की शादी को लेकर के बड़ी चर्चा है। ईला के पिताजी उसकी शादी की ढूंढ रहे थे और ईला की माँ एक दिन ईला से पूछती हैं कि हम लोग तुम्हारी शादी को लेकर के बात कर रहे हैं, तुम्हारी शादी कर दें क्या? तो ईला कहती है कि शादी क्यों करना है? तो ईला की माँ बोलती है कि शादी तो करनी पड़ेगी। तो ईला दबे मन से कहती है, अपनी शादी के लिए हाँ भर देती है। लेकिन वह क्या था? संगीत से प्रेम करती थी, या उसके मन में संगीत के प्रति क्या था, ये प्यार था, मोहब्बत थी, कुछ भी के लिए संगीत के प्रति था, जो उनका पड़ोस में लड़का रहता था, ठीक है। तो ईला फिर क्या होती है, जो ईला है उसकी शादी हो जाती है। ईला की शादी जो होती है उसका, उस लड़के का नाम है सुशील। ईला की शादी किससे हुई है? सुशील। ईला की शादी कर दी जाती है। ईला विरोध करती है शादी का, वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन समाज का दबाव है, समाज का प्रेशर है और माँ बाप का प्रेशर है। और ईला समाज के प्रेशर से, समाज के दबाव के प्रेशर से क्या करती है, ईला शादी कर लेती है। और ईला की शादी किससे हो गई है? तीसरा नाम लिखना, सुशील से हो गई है। सुशील है, ठीक है, सुशील है। सुशील से शादी जब हो जाती है, सुशील बहुत अच्छा लड़का है, ईला को, ईला का बहुत मान सम्मान करता है, ईला का बहुत आदर करता था, यानी कह सकते कि बहुत अच्छा लड़का था, बहुत बेहतरीन लड़का है। कौन है? सुशील। सुशील ईला को अगर किसी प्रकार की बीमार होती थी तो उसकी मदद करता है, यानी कह सकती हूँ कि जो सुशील है
वो यानी जो उसका पति है बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही नेक लड़का है। क्या है? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक लड़का है सुशील। उसकी हमेशा हेल्प करता था उसके, किसी प्रकार को किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। यानी ईला का जो दाम्पत्य जीवन है, जो एक मैरिड लाइफ है, ठीक ठाक चलती रहती। ईला यानी एक प्रकार से दुखी तो रहती है सुशील के बारे में, सॉरी संगीत के बारे में सोचती तो रहती है, संगीत उसका प्रेमी था कह लीजिए, उसके बारे में उसको सोचती है। लेकिन कह सकती है कि उसका जो पति जो सुशील है, सुशील ठीक लड़का था, अच्छा लड़का था, यानी उसका जो वैवाहिक जीवन था ठीक ठाक चल रहा था। फिर क्या होता, सुशील एक दिन जो ईला है इसको लेकर के एक रिश्तेदार के यहाँ पर जाता है। सुशील क्या, सुशील उसका जो पति है ईला को लेता है और एक रिश्तेदार के यहाँ पर जाता है। उसका एक रिश्तेदार है मृदुल, क्या नाम है, मृदुल। जो मृदुल है अगर बात करोगे, एक कविता लिखता है, कहानी लिखता है, और एक प्रकार से कह सकते हैं एक हीरो टाइप का आदमी था, यानी क्या था, इस टैलेंटेड व्यक्ति है मृदुल। जब ईला को लेकर के सुशील अपने रिश्तेदार मृदुल के यहाँ पर जाता है, तो ईला है वह मृदुल से धीरे धीरे क्या प्यार करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, प्यार करने, किससे, मृदुल से, यानी दूसरा अब तीसरा व्यक्ति आ गया है, मृदुल से प्यार करती है। और मृदुल क्या है, उसका रिश्तेदार है। मृदुल के यहाँ पर सुशील और ईला कई दिन तक रहते हैं। मृदुल के साथ क्या उसका प्रेम संबंध हो जाता है। और जब कुछ समय के बाद ईला अपने घर आ जाती है, तब भी मृदुल उसको चिट्ठी लिखता था, ईला भी उसको चिट्ठी लिखती थी। यानी कह सकते कि मृदुल और ईला में एक प्रकार से कह सकते उसका रिश्तेदार है। फिर भी क्या है, जो ईला है वो मृदुल से क्या प्यार करती है, यहाँ के लिए क्या करती थी, उससे प्यार करती थी। किससे करती थी, मृदुल से। मृदुल क्या है, उसका रिश्तेदार है। जब वो घर चली आती तो भाई चिट्ठी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से उसका इशारा चलता था, ठीक है। अचानक क्या होता कि ईला एक दिन बीमार पड़ जाती है। क्या होता है, इतना तो सारा हो गया, और उसके जीवन में तीन लोग आए हैं, कौन कौन है, पहला संगीत आया था जिससे वो प्यार करती थी, फिर उसकी शादी हो गई सुशील से, सुशील उसका दूसरा जो पति है, उसका जो पति है, तीसरा जो उसका जो मृदुल है उससे भी प्यार करती जिसका रिश्ता है। ईला बीमार पड़ जाती है। जब ईला बीमार पड़ जाती है, उसकी इलाज करने के लिए एक डॉक्टर आता, डॉक्टर मनोज, मनोज नाम का एक डॉक्टर आता था। अगला करेक्टर मनोज है। मनोज क्या, मनोज एक डॉक्टर है, वो क्या करता था, ईला का आकर के इलाज करता था। ईला कई दिन तक, महीनों तक बीमार पड़ी थी, ईला को उसने खूब सारा इलाज किया है और इलाज करने आता था। और जो ईला है, डॉक्टर मनोज जब उसकी इलाज करता है या उसकी देख रेख करता है, तो ईला जो है वह डॉक्टर मनोज के भी प्रेम में पड़ जाती है। किसके प्रेम में पड़ती है, डॉक्टर जो मनोज है उससे भी क्या कह सकते, प्यार कर लेती है, मोहब्बत प्रेम करने लग जाती है, ठीक है। यानी डॉक्टर मनोज के साथ भी कह सकते हैं उसके एक प्रकार से प्रेम के संबंध बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन डॉक्टर मनोज को अचानक पता लगता है, किसको, मनोज को, दो डॉक्टर है, मनोज को पता लगता है कि जो ईला है वह मृदुल से प्यार करती या मृदुल उसको चिट्ठी लिखता है। तो मनोज कहता, जो मनोज डॉक्टर है कहता है कि तुम जो मृदुल है, क्या जो मृदुल है उससे अपने संबंध तोड़ दो। किससे बोलता है, ईला से कहता है कि भाई जो मृदुल था नहीं, जिसका रिश्तेदार मिलेगा था, जिसका रिश्तेदार मृदुल, कहता है कि मृदुल से तुम बात मत करो, उसको चिट्ठी मत लिखो। ये कौन कहता, मनोज कहता, जो डॉक्टर है, मनोज डॉक्टर है, इस प्रकार की बातें होती हैं, उसे संबंध तोड़ने बंद। अचानक क्या होता कि एक दिन जो मनोज है उसको पता नहीं था कि उसका पति सुशील घर पर है। अचानक एक दिन क्या होता है, मनोज ईला के घर पर आता है और ईला को क्या देने आता था, चिट्ठी देने आया था। और वो उसको बताने आया था कि मृदुल ने तुम्हारे नाम इतने सारे चिट्ठी लिख रही है, एक प्रकार से क्या चल रहा है। जब एक दिन अचानक मनोज को पता नहीं था कि सुशील घर पर है और अचानक ईला के घर पर पहुंच जाता है और कई सारी मृदुल की चिट्ठी लेकर के पहुंच जाता है। जब सुशील को पता चलता है कि ईला जो है मृदुल के साथ उसके संबंध, उसका जो रिश्तेदार है उसको चिट्ठी लिखती है, उससे बात करती है, और डॉक्टर मनोज के साथ भी उसके कई सारे संबंध है। जब ये सुशील को पता चलता है तो सुशील जो उसे जो उसका बहुत सम्मान करता, आदर करता, सुशील बहुत गुस्सा करता है, उसका जो पति है इतना ज़्यादा गुस्सा करता है कि उस बिचारी को घर से निकाल देता। क्या है, सुशील ईला को क्या कर देता है, घर से निकाल देता है। ईला क्या करती है, ईला मृदुल से कांटेक्ट करती है कि मृदुल मेरा थोड़ा आसरा दे दो, लेकिन मृदुल जो है मदद नहीं करता है। जो उससे प्रेम करता, जो उसका रिश्तेदार था, वो भी मदद नहीं, वो डॉक्टर मनोज से मदद मांगती कि डॉक्टर मनोज हमारी कुछ मदद करो। यानी डॉक्टर से भी मनोज को भी पत्र लिखती, चिट्ठी लिखती कि मेरी मदद कर दो। कह सकती कि सुशील ने जब घर से निकाल दिया तो ईला को ना तो मृदुल मदद करता है ना तो मनोज मदद करता है। यानी ये जो पुरुष प्रधान समाज है, चाहे मृदुल हो चाहे मनोज है, किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करता है। और लास्ट में ईला जा करके क्या करती है,
एक कह सकते समाचार पत्र में काम करती है और अपना रोजी रोटी रोजगार को चलाती है। एक कहानी हमें बताती है कि एक ईला नाम की महिला है जिसके जीवन में चार पुरुष आते हैं। पहला कौन आया था भैया? संगीत आया था, जिसे प्रेम करती, जिसने फूल फेंका था, पता है? चल बताया अभी ना, जो संगीत था, दसवीं पास करके कॉलेज में पढ़ता था लड़का। दूसरा उसका जो पति सुशील है, एक दूसरा मर्जो उसका दाम्पत्य जीवन, जो वैवाहिक जीवन शुरू होता है। तीसरा जो मृदुल, जो उसका रिश्तेदार है, उसके साथ भी उसके संबंध है। और चौथा जो उसका डॉक्टर था, जो डॉक्टर मनोज थे, उनके साथ भी उसके संबंध है। लेकिन कह सकती हूँ कि लास्ट में उसका पति, जब उसको पता चला कि ईला के कई सारे प्रेम संबंध है, तो उसको घर से निकाल देता है। और ईला का ना तो मृदुल मदद करता है, ना तो डॉक्टर मनोज मदद करता है। और ईला लास्ट में भैया थक हार करके क्या करती है, एक समाचार पत्र की एजेंसी होती है, वहाँ पर काम करती है और अपना रोजी रोटी रोजगार चलाती है। ये कहानी हमें यही बताती है कि महिला का जो हमारा जो पितृप्रधान समाज है, जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, वो महिला का को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। पूरी जो उपन्यास है, पूरी उपन्यास यही है। और अब पूरा उपन्यास स्वयं जा करके पढ़ लेना, तो पूरी उपन्यास की कहानी मैंने आपको बता दी है। पूरे उपन्यास में यही लिख रखा है, जो व्यक्तित्व की भूख है यही लिख रखा है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी का जो उपन्यास है व्यक्तित्व की भूख, इसमें जितना था मैंने आपको बता दिया। इस कहानी से आप इसको अच्छे से, आप इसका अगर आपसे इसकी अंतर्वस्तु पूछा जाए आराम से आप लिख सकते हैं। अगर इसका स्त्री विमर्श पूछा जाए तो स्त्री विमर्श बता सकते हैं कि भाई जो ईला है, देखते नहीं कि उसका बार बार उसका मन भला, कभी उसका संगीत से रिश्ता है, कभी मृदुल से रिश्ता है, कभी उसको डॉक्टर मनोज के प्रेम में पड़ जाती है, लेकिन जब आखिरी बात आती, जब वो मदद मांगती, तो कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं होता है, कोई मदद नहीं करता है। पति ने जब उसको घर से निकाला, ना तो मृदुल मदद करता है, ना तो डॉक्टर मनोज मदद करते हैं, कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं होता। जब महिला अकेली पड़ जाती, कोई मदद नहीं करता है। प्रेम तो सभी करते थे, चिट्ठी तो सभी लिखते थे, पत्री तो सभी लिखते थे, नाम के लिए लिखते थे, लेकिन आखिरी में जब मदद करने की बात आती, तो कोई मदद करने के लिए ईला नाम की लड़की का कोई मदद नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता है। स्त्री विमर्श, और हमारा समाज जो है इसी प्रकार का समाज है। जब विपत्ति आती है महिलाओं पर, तो कोई भी मदद करने के लिए पुरुष प्रधान समाज में कोई खड़ा नहीं होगा, और हर व्यक्ति क्या करेगा, महिला पर तमाम तरह के आरोप लगाए कि भाई महिला ही क्या है, उसमें ही तमाम तरह की बुराइयां भरी पड़ी हैं। तो हमें यही बताता, खास तौर से जब व्यक्तित्व भूख की इसकी जब कुछ भी लिखने को आएगा, तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं। इसकी प्रासंगिकता क्या है, अगर बात करो कि किस प्रकार से ईला नाम की लड़की, उसका कैसा बार बार मन बहलता, कभी संगीत के साथ उसका प्रेम है, कभी मृदुल के साथ उसका प्रेम है, कभी डॉक्टर मनोज के साथ उसका प्रेम है, लास्ट में उसका जो पति सुशील घर से निकाल देता, तो कोई मदद नहीं करता है। और आज के समाज में भी अगर कोई स्त्री इसी प्रकार के काम करेगी, तो खासतौर मैं भी कह सकता हूँ उसके साथ भी लगभग ऐसी स्थिति ही बन जाएगी, ऐसी ही बन जाएगी। उसका पति तो घर से बाहर निकाल देगा, ये सच्चाई है, निकाल ही देगा भाई, ऐसा हो रहा, कोई मदद नहीं करेगा। जो लोग उससे प्रेम करते थे, जो लोग उससे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, वो लोग भी अंतिम समय में मदद करने से मुंह मोड़ लेते हैं, पत्र का जवाब तक नहीं देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, मदद करने के हेल्प नाम से पीछे हट जाते हैं, कोई मदद नहीं करता इस लड़की, इस ईला नाम की लड़की का। और ईला लास्ट में जा करके खुद कमाती धमाती और अपने जीवन का गुजर बसर करती, यही पूरे उपन्यास में लिख रखा है, और पूरे उपन्यास में आपका लगभग यही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो व्यक्तित्व की भूख है, मैंने सारा पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें खास तौर से, जैसे इसकी जो मुख्य पात्र है उसका नाम है ईला, दूसरा जो इसमें आता है उसका नाम है संगीत, संगीत जो है जो दसवीं पास पर क्या था, जो उसके पड़ोस में लड़का रहता था। अगला जो करेक्टर है, तीसरा जो है सुशील, सुशील क्या है, ईला का पति है, ठीक है। तीसरा जो, चौथा जो पात्र है इसमें क्या है, मृदुल, मृदुल जो उसका रिश्तेदार था, जिसके यहाँ पर रात में रुकी थी, जो उसको उसका पति लेकर गया था, जिसके प्रेम। और चौथा है डॉक्टर मनोज, डॉक्टर मनोज जो उसका इलाज करता था। तो ये सारे पात्र हैं, सारे कैरेक्टर हैं। आप अलग अलग पात्रों का नाम लिख करके और कहानी को जैसे मैंने सुनाया है उसी प्रकार से आप स्टोरी कहानी को लिख सकते हैं। अगर इस कहानी स्टोरी में से कुछ भी आ सकता है, तो आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है ना, चैप्टर नंबर 7 में क्या देखेंगे, दलित कविता। खास तौर से इसमें ना आपको जो पढ़ना है, से अगर मैं कविता की बात करूँ ना, तो आप सभी लोग ना, जैसे यहाँ श्रम की रेखाएं हैं, इस कविता को जरूर कर लेना, खासतौर से संदर्भ सहित व्याख्या इसमें से आ सकती है, श्रम की रेखाएं में से। और दूसरा अगर आप देखोगे जो आपका दिया गया सोनवा की पिंजरा, सोनवा की पिंजरा में से संदर्भ सहित व्याख्या कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 7.6 में क्या है, सोनवा के पिंजरा, माता प्रसाद, ये जो उन्होंने पोएम लिख रखी है, जो पूरी पोएट्री लिख रखी है, इसमें से संदर्भ सहित व्याख्या करने को आ सकता है, यहाँ तक जो है ना।
जिसे सोनवा की पिंजरा की अंतर्वस्तु क्या है। अंतर्वस्तु में खास तौर से इसका विचार पक्ष क्या है ये पूछा जाता है, खास तौर से कि दलितों का जो अपमान है, शोषण है, जो दमन है उसको बता रखा है। दलित शब्द को, दलितों का जिस प्रकार से क्या अपमानित किया जाता है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, बहिष्कृत है, इस चीज़ का इसमें इसका विचार पक्ष है। दलितों का जिस प्रकार से हमारे समाज में शोषण, दमन, अत्याचार उनके साथ जो होता है उसी को बता रखा है, इसका विचार पक्ष यही है। दूसरा, अगर हम लोग इसके भाव पक्ष की बात करें तो अगर भाव पक्ष देखेगा तो सोनवा के पिंजरा का जो भाव पक्ष देखोगे तो यह एक प्रतीक और लोकोक्ति है। जैसा कि तोते का पक्षी के सोने के पिंजरे में कैद हो जाता, दूध भात दिया जाता उसी उतना अच्छा नहीं लगता है जितना वह उन्मुक्त। देखो यहाँ पर बताएं कि सोनवा के पिंजरे में बताते कि अगर किसी तोते के पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर लोगे तो उसको पिंजरा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो पक्षी होता है वो सिर्फ खुले आसमान में उड़ना चाहता है। क्या है? खुले आसमान। उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जो दलित जाति के लोग हैं उनको भी कैद करके, उनको भी गुलाम बना करके, उन पर भी शोषण, दमन, अत्याचार करके नहीं, बल्कि अगर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया, उनको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिले, उनको आगे बढ़ने का अधिकार मिले तो लोग ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। उनके लिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी जिस प्रकार से कोई पक्षी होता है अगर हम उसको पिंजरे में बंद कर दें तो पक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो तो आसमान में उड़ना चाहता खुले। तो उसी प्रकार से इसका भाव पक्ष भी यही है कि जो दलित जाति के लोग हैं उन पर भी तमाम तरह के जो आडंबर हैं, जो रीति रिवाज हैं, जिनके साथ शोषण, दमन, अत्याचार होता है, अगर ये शोषण, दमन, अत्याचार नहीं होगा तब वो लोग भी स्वतंत्र होकर के अपना विकास कर सकते, अपना डेवलपमेंट कर सकते, आगे बढ़ सकते हैं। और एक प्रकार से जो उन पर तमाम तरह के अत्याचार होते हैं उसके जरिए क्या हो रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। कविता की जरूरत है भाई मेरे, जैसे यहाँ पर जैसे पूछा गया है इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती है सोनवा के पिंजरा में से, ये रहा ना सोनवा के पिंजरा, संदर्भ सहित व्याख्या इसको जरूर कर लेना, जैसे यहाँ पर दे रखा ना सोनवा के पिंजरा में से संदर्भ सहित व्याख्या। और इस व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या कैसे की जाती है इसको अच्छे से एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला है आपकी पोएम दी गई है श्रम की रेखाएँ, श्रम की रेखाएँ जो कविता है इसमें संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती है, श्रम की रेखा में से आएगा संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। तो श्रम की रेखाओं में से आपको संदर्भ सहित व्याख्या करके जाना है। देखो आपको एग्जाम में ना तीन संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, सॉरी तीन करनी है, आती छः हैं, तो आपको खास तौर से अगर मैं बोलूँ तो सोनवा के पिंजरा और दूसरा श्रम की रेखाएँ इसको जरूर कर लें संदर्भ सहित व्याख्या के लिए, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसमें स्त्री स्वर को लेकर के यानी स्त्रियों की कविताएँ, खास तौर से इसमें जो आपको कविता करनी है वो सीमा रेखा करके जाना, इस बार सीमा रेखा कविता को अच्छे से पढ़ लेना भाई, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती है सीमा रेखा को लेकर के, सीमा रेखा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 8.4 में बेजगह है, ये इंपॉर्टेंट होगा, बेजगह का अगर आप देखोगे संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती है, यही आ सकता है इसको। तो कौन कौन सी चैप्टर नंबर 8 में से अगर मैं बताऊँ तो आपको सीमा रेखा की संदर्भ सहित व्याख्या जो है पढ़ के जाना, ये स्त्रियों को लेकर के वह है, दूसरा बेजगह है, ये दो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है। 9 रहेगा ना, अगर आप देखोगे प्रभा खेत का जो है इसका जो खास तौर से आज जो दिया गया है इसमें से आपको करना महिलाओं के बारे में दिया गया है, इसकी जो अंतर्वस्तु 9.5 जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अंतर्वस्तु जरूर करके जाना, इसकी अंतर्वस्तु पूछी जा सकती है, ठीक है। या जो प्रभा खेत है उसके बारे में तो मुझे लगता नहीं है, प्रभा खेतान है इसकी जो आ दिया गया ना इनका जो देखोगे इसका खास तौर से आपकी अंतर्वस्तु जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अंतर्वस्तु जो है ये इनकी जो आत्मकथा है, इन्होंने अपनी आत्मकथा ही लिख रखी है, ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है इसकी अंतर्वस्तु आ सकती है, पूछी जा सकती है। और दूसरा है इनकी जो अंतर्वस्तु है उसमें किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक परिवेश को बताया है और स्त्री विमर्श पर किस प्रकार से बात करती हैं। तो खास तौर से अगर मैं बात करूँ तो 9.5 और 9.6 ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और प्रभा खेतान की क्या है, ये आत्मकथा है, आत्मकथा यानी जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, जिस प्रकार से उनकी लाइफ रहे उसी के बारे में उन्होंने क्या बताया है इसमें सारा बता रखा है। तो इसमें आपको हमें जो करना पड़ेगा 9.5 और 9.6 को जरूर करके जाना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चैप्टर नंबर 9 में से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 11 क्या है, स्त्री के अर्थ, स्वतंत्रता का प्रश्न, अंतर्वस्तु और मूल्यांकन। अगर आप देखेंगे तो ये महादेव वर्मा का जो आपका निबंध दिया गया है स्त्रियों को लेकर के, तो जैसे इस निबंध बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और ख़ास तौर से पूछा जाता है कि जो महादेव वर्मा है वो
स्त्रियों के बारे में उनके क्या विचार हैं या क्या कह रहे हैं, इसे पूछा जा सकता है। देखो अगर मैं महादेवी वर्मा की बात करूँ तो महादेवी वर्मा महिलाओं के बारे में बात करें या स्त्री शिक्षा की बात करती हैं, महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा, दमन हो रहा, जिस प्रकार के उनको घर की चार दीवारी में रखा जाता है, मूलतः ये निबंध उसी प्रकार के बातों को उठाता है या उसी प्रकार के ये सवाल उठाता, प्रश्नवाचक निबंध है। यानी महिलाओं की जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, कि ऐसी क्यों बनी हुई है, सवाल यानी प्रश्नवाचक एक खास तौर से निबंध है। प्रश्न समाज से प्रश्न करता है कि समाज जो महिलाओं के साथ क्यों अत्याचार करता है, क्यों दमन करता है, क्यों शोषण करता है, क्यों भेदभाव महिलाओं के साथ हो रहा है, यानी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इस निबंध में खास तौर से महिलाओं के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के जो इश्यू हैं, उन्हीं को उठाया गया है। ठीक है, अगर मैं महादेवी वर्मा के निबंध की बात करूँ तो इस निबंध में खास तौर से जो महादेवी वर्मा है स्त्री शिक्षा के महत्व को लेकर के बात करती हैं और जिस यानी स्त्री के अधिकारों की मांग करती हैं और महिला को शिक्षा का अधिकार मिले इसकी बात करती हैं और जिस प्रकार से हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और महिलाओं को जैसे बताया जाता कि सावित्री हैं, अनुसुईया हैं, गायत्री हैं, उसको बड़े बड़े जो संस्कार है उसमें गढ़ दिया गया है और महिला सिर्फ एक अच्छी माँ बनने में, एक अच्छी बेटी बनने में, एक अच्छी पत्नी बनने में, एक अच्छी बहू बनने में, या महिला को क्या करना, उसका जो पति पति परमेश्वर है, इस प्रकार के जो बड़े बड़े आदर्श बना दिए गए हैं, महिला सिर्फ आदर्शों का निर्वाह कर पा रही है बल्कि महिला को, महिला अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रही है या महिला को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो अधिकार मिलने चाहिए समाज में, उन अधिकारों को भी महिलाओं को मिलना चाहिए। इस निबंध में खास तौर से जो महादेवी वर्मा है वो महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं कि महिलाओं को भी पढ़ाई लिखने लिखाई करने का अधिकार मिले, वो जो पुरुष के बराबर, जो महिला को भी पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इस निबंध में महादेवी वर्मा इस बात को भी उठाती हैं और कहती हैं कि पुरुषों को जिस प्रकार के अधिकार मिले उसी प्रकार का अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर स्त्री के अधिकारों की बात करती हैं, स्त्री के अधिकारों की क्या है इसमें बात की गई। दूसरा अगर मैं इस निबंध की बात करूँ, अगर आप इस निबंध को देखेंगे तो इस निबंध में अगर देखोगे महादेवी वर्मा महिलाओं को किस प्रकार से उनको आर्थिक गुलाम बना करके रखा गया, महिलाओं को किस प्रकार से आर्थिक आज़ादी नहीं है या महिलाओं को बाहर जाकर काम करने का आज़ादी नहीं मिलती है, तो इस सवाल को भी उन्होंने इसमें उठा रखा है। खास तौर से हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, उस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को सदियों से जो गुलामी का बोझा झेलती चली आ रही, उस चीज़ को भी इसमें कह सकते हैं उन्होंने अपना मुद्दा बना रखा है और महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करती है कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का, घूमने फिरने का, आने जाने का अधिकार, यानी जिस प्रकार से हमारे समाज में पुरुषों को अधिकार है उसी प्रकार के महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। इन्हीं अधिकारों को लेकर के कहा महादेवी वर्मा अपने इस निबंध में बात करती, यानी स्त्री के जो अधिकार हैं उनको यहाँ पर उठाती हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो यही खास होते उनका जो पूरा है यही है कि निबंध में महिलाओं के बारे में लेकर उन्होंने बात कर रखा कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए या उनको पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता मिले, अगर पुरुष बाहर जाकर के बाहर कमा रहा है तो महिला को भी बाहर जाकर कमाने का अधिकार मिलना चाहिए, और हमारा जो समाज है पितृप्रधान समाज है उसने महिलाओं के लिए बड़े बड़े आदर्श बना दिए और महिला सिर्फ उन्हें बड़े बड़े आदर्शों का पालन कर रही है। जैसे बता देगा ना कि महिला तो भाई एक ममता महिमा होनी चाहिए और महिला क्या अपने लिए त्याग कर दे अपने परिवार के लिए, यानी उसमें वात्सल्य होना चाहिए या पति को क्या पति को अपना देवता मान ले या आज्ञाकारी पुत्री हो, इस प्रकार के बड़े बड़े जो उसके लिए आदर्श बना दिए गए हैं उसी आदर्शों में जो महिला है बिचारी जकड़ी हुई है, वह उससे बाहर नहीं निकल पा रही है, वह अपना विकास नहीं कर पा रही है या उसने वह अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसमें कह सकते इस निबंध में महादेवी वर्मा इन्हीं विषयों को उठाती हैं और महिलाओं को बताती कि जो महिला है वह अपनी जीने की कला को भूल गई है, यानी महिलाओं को कह सकते हो कि वह अपना जीवन जीना सीखें और जिस प्रकार से जो पुरुष प्रधान समाज है उसने किस प्रकार से बेड़िया बना करके महिलाओं को जकड़ रखा है बड़े बड़े आदर्शों में, महिलाओं को इन बड़े बड़े आदर्शों से बाहर निकलना है और उसके अपने अधिकारों के लिए क्या करना है, लड़ाई लड़ना है और उसको भी पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिला पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी तब उसको समाज में जैसे पुरुष को अधिकार मिला है उस प्रकार के अधिकार मिलेंगे, तभी महिलाओं का विकास हो सकता है। यही सारी जो बातें हैं इस निबंध में उठाई गई हैं। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर 12 क्या, दलित चिंतन। और दलित चिंतन खास तौर से अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का एक निबंध है। देखो दलित चिंतन वही है कि दलितों को अधिकार और राइट की जो बात की जाती है और दलितों को समाज में जो अधिकार मिले, बराबरी का अधिकार मिले, उनके साथ जो शोषण जो दमन हो रहा उसी को हम कहते हैं दलित चिंतन बोले। और डॉक्टर धर्मवीर जो भारती हैं खासतौर से इनको बहुत बड़ा दलित चिंतक माना जाता है, यानी समाज में दलित को भी बढ़े, यानी जो सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, जो सामाजिक समता की लड़ाई है, यानी कह सकते हो कि जो दलित लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं उनको भी समाज में बराबरी का अधिकार मिले,
उनको भी नौकरियों में बराबरी का, उनको भी आर्थिक आधार पे बराबरी होनी चाहिए। तो दलितों को लेकर यानी बड़ा दलित चिंतक किसको माना जाता है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को। और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी अपने निबंध में यही कह रहे हैं कि जो दलित शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भी समाज में बराबरी का अधिकार हो, सभ्यता में संस्कृति में बराबर का अधिकार हो, राजनीति में यानी हर एक क्षेत्र में जो भेदभाव रहा है, जो शोषण हो रहा, उस शोषण और भेदभाव को खत्म करके दलितों के साथ भी एक प्रकार से उनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस की बात करते हैं यानी सामाजिक न्याय की बात करें। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं किसी के साथ भी भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में सबको समान माना जाना चाहिए। उसी हम यहाँ पर दलितों की बात करें, दलितों के भी सामाजिक न्याय की हम यहाँ पर बात। और डॉक्टर धर्मवीर भारती भी यही कह रहे हैं कि भाई दलितों के साथ जो अत्याचार है, जो शोषण है, जो दमन है, जो उनके साथ छुआछूत है, या इस प्रकार की जो कुरीतियाँ चल रही हैं, या समाज में उनके पास जो संपत्ति का अधिकार नहीं है, एक प्रकार से उनको सभी प्रकार के जो राइट हैं, अधिकार उनको मिलने चाहिए, तभी दलितों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनका भी विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो। यही सारी बातें कह सकते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती अपने इस निबंध में बात करते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में हमने जो दलितों को लेकर बात की थी, धर्मवीर भारती भी लगभग वही बात कर रहे हैं, बस इन्होंने निबंध लिख करके अपनी बातें कह रखी हैं। तो जो हमने शुरू में दलितों के बारे में काफी डिस्कस कर रखा है, उसमें भी अगर डॉक्टर धर्मवीर भारती को लेकर दलित चिंतन को लेकर के कुछ आता है, वैसे ही हमने पहले चैप्टर भी हमने दलित चिंतन की काफी बातें की हैं। तो दलित चिंतन ही कि दलितों को भी समाज में बराबरी का अधिकार मिले, कानूनी अधिकार मिले, या उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनको न्याय का अधिकार मिले, यानी हर एक समय पर यानी ब्राह्मण क्षत्रिय यानी समाज में किसी प्रकार से उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यही कह सकते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती का दलित चिंतन है। दलित चिंतक का मतलब कि जो दलितों के अधिकारों को लेकर जो व्यक्ति चिंतन करता है कि भाई समाज में दलितों के साथ जो भेदभाव उनको किस प्रकार से बराबरी का दर। और दलित साहित्य में देखो, तो दलित साहित्य है कि ऐसे साहित्य जो दलितों के अधिकारों की बात करते हैं, ऐसे कविता, ऐसे कहानी, ऐसे उपन्यास, ऐसे छंद या ऐसे निबंध जिसमें दलितों को अधिकारों के लेकर के बात की जाती है, उनको हम कहते हैं दलित साहित्य बोला जाता है। और दलित चिंतक हम उसको बोलते हैं जो दलितों की आवाज उठाता है, जो दलितों की बारे में बात करता है, जो कहता कि दलितों को भी क्या ब्राह्मण क्षत्रिय के बराबर भी उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। यही है दलित चिंतन। यानी कह सकते हैं जो दलितों को लेकर उनके अधिकारों की बात होती है, उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनके साथ किसी प्रकार का छुआछूत ना हो, यही सारा है दलित चिंतन। अगर इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप हेडिंग बना करके, स्टार्टिंग में मैंने भी वही सारी बात चीज़ें बता रखी हैं, यही बातें लगभग यहाँ पर भी दलित चिंतन में लगभग वही बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, पॉइंट बना करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते थे। अगर इसमें कुछ पूछेगा खासतौर से, जैसे निबंध का प्रतिपाद पूछेगा, दलित चिंतन का प्रतिपाद बताओ, तो प्रतिपाद क्या है? प्रतिपाद मतलब उद्देश्य। कोई भी लेखक अगर अपना कोई लेख लिखता है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? भाई अगर मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की बात करूं तो धर्मवीर भारती का उद्देश्य यही है कि भाई समाज में दलितों को भी बराबरी का अधिकार मिले, उनके साथ जो छुआछूत रहा, उनके साथ जो शोषण हो रहा, वह शोषण जो हो रहा है वह लगभग खत्म हो जाए, बराबरी का अधिकार उनको मिलना चाहिए, यही उनका क्या है उद्देश्य है। यह इसमें जो भी पूछेगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर इसमें से कुछ आएगा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ यही चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपकी जो बुक है BHDE 141, इसमें जो आपके चैप्टर दिए गए चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12 तक जितने चैप्टर हैं मैंने आपको सारा बता दिया है, लगभग मैंने आपको सारा पढ़ाने का प्रयास भी किया है। जो जो मैंने चीज़ें बताई अगर आप इसको ढंग से सुनते हैं और एक बार अपनी किताब को भी आप लोग देख लेना, खासतौर से जो इसमें कविताएँ आएंगी, जो कविता टोटल 6 आती है इसमें से आपको 3 करनी पड़ेगी, और आपका जो 7वां चैप्टर है और जो आपका 8वां चैप्टर है उसमें सारी पोएम दी गई हैं, कौन कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया है, उन पोएम को पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सभी का जो एग्ज़ाम है ठीक ठाक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके।